أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> إذا السماء

Yeah. yeah. 分手。

वालेकुम आप सबको आज भी मैं रमज़ान की मुबारकबाद दे रहा हूँ और आज पहला अशरा ख़त्म होने को है मगरिब के बाद कल से हम दूसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे और जब भी दसवां रोज़ा होता है हम सबको ये इल्म है कि आज हज़रत खतीजा रजी अल्लाह तह की विसाल का दिन है और मैं जब भी आ, हमने इस हवाले से प्रोग्राम्स किए हमने पढ़ा हमने देखा आज के दौर में जब आपकी बेटी आपकी बहू आपकी बहन आपकी बीवी आ, ये चाहती है कि वो आपका साथ दे या वो कोई कारोबार करे या वो थोड़ा सा ज़माने के साथ आगे बढ़े तो उसको ये कह के रोका जाता है कि यार तुम औरत हो तुम से ये सब कुछ कैसे हो मैं कल भी ये बात करा था मैं उससे पहले भी ये बात कर रहा था कि हमारे साथ बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि ये जो कल्चरली हमारे ऊपर कुछ चीज़ें इम्पोज़ हुई हैं तो कुछ गलत चीज़ें हमने अपने ऊपर इम्पोज़ करनी जबकि वहीं पे हम जब हज़रत खतीजा रजी अल्लाह करती हैं करते हैं तो जो दौर था आज से चौदह सौ साल पहले तो एक बहुत बड़े ताजर थे हज़रत कौलीद जिनकी आप साहबजादी थी आपकी पूरी तजारत पूरा बिजनेस हज़रत खतीजा संभालती थी और आज के दौर में अगर कहीं ये बात होती है तो बहुत अंडरस्टिमेट किया जाता है तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो आज की बहुत सारी चीज़ों को सही करने में हमारी मदद कर सकती नर्सिंग uh, के हवाले से बात होती है तो हम तब भी ये बात करते हैं कि जी जब हम uh, ये जंग के जब सिलसिले चल रहे थे तो उसमें uh, जो uh, ख़वा थी वो एज़ नर्सिंग अपनी ड्यूटीज़ uh, अंजाम देती बिज़नेस uh, के हवाले से काम के हवाले से तो ऐसा हरगिज़ कभी भी नहीं रहा हमारे कल्चर में हाँ देर देर इज़ देर वॉज़ अ लाइन एक एक लाइन ज़रूर थी आ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक ये कॉन्सेप्ट हो कि औरत को बंद करके घर में बिठाया जाए तो मतलब ये होता है जब हम आज ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं ऐसी चीज़ें करते हैं तो ख़ाम ख़ाह का जो प्रेशर जहालत की वजह से आ, हमारे सरों पर मंडला रहा है मेरे ख़्याल से हमें उससे थोड़ा सा आज़ाद होने की ज़रूरत है अपने आप को जानने की ज़रूरत है अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं हमारी रूट्स क्या हैं बेसिकली औरतों के हवाले से एम्पावरमेंट के हवाले से आज बहुत लोग बातें करते हैं लेकिन हाँ ये हकीकत है जब उलमाए कराम आएंगे हम उनसे भी इस हवाले से बड़ी तफसीलन बात करेंगे आ, कि क्यों कर आज के दौर में ख़वातिन के साथ इस तरह से सलूक होता है जबकि हमारे मज़हब में तो बिल्कुल ही उसके अलग मिसालें मिलती हैं थोड़ा सा इस हवाले से बात करेंगे मेरे साथ अक्सा होती हैं यहाँ पे आ, हम हम हमद बारी ताला या नात रसूल मकबूल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं और आपकी मुलाकात मख्तलिफ़ लोगों से कराते हैं ताकि जो जो जहाँ बेहतरी आ सकती है चीज़ों में उसको हम कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें सलाकुम जी राह नेकी मैं आप सबको खुश आमदेद कहते हैं सेगमेंट में हमारी कोशिश ये रही अभी तक कि हम जो ऐसी एन जो पाकिस्तान में बहुत काम कर रही हैं एजुकेशन के हवाले से सेहत के हवाले से आ, लोगों की खदमत के हवाले से उनको यहाँ बुलाया जाए उनसे बात की जाए ताकि उनके इस काम को सराहा भी जाए और आप लोगों से आ, उनका साथ देने की अपील भी की जाए आज भी मेरे साथ ग्रीन क्रिस्टन ट्रस्ट मौजूद है और जो कि इस्टेब्लिश हुई उन्नीस सौ चौरानवे में और पूरी जो आ, ये जी सी टी है इसका जो इसकी जो कोशिश रही है वो यही रही है कि जितनी भी डेवलपमेंट की जाए वो एजुकेशन के थ्रू की जाए सो so, हमारे जो गेस्ट हैं ट्रस्टी हैं जी के लीडिंग इंडस्ट्रियल हैं साजया शेख साहब उनको मैं खुश आमदेद कहता हूँ असलामैलकम कैसे वाले हैं आप ठीक ठाक हैं अलहमदिल्ला साहब ये दिल्कुण मैंने दिल्कुण। नोट किया अभी मैं पिछले दस दिन से कर रहा हूँ माशाल्लाह से तो उसमें मेरी बहुत लोगों से मुलाकात हुई है बड़ा फोकस गया है आप लोगों की तरफ से आप जैसे लोगों की तरफ से एजुकेशन की तरफ क्या ऐसी रीज़न है फैसल भाई मसला कोई भी हो इलाज उसका तालीम हमें तो ये बात समझ में आई है और जैसे आपने जिक्र किया कि ये तीस साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह और इसमें बेसिकली हुआ ये था कि कुछ फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अपने बिज़नेस हम बिज़नेस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है तो बिज़नेस ज्वाइन किया तो उनके वालदेन ने यह कहा कि भाई आप मुल्क के लिए भी कोई काम करें अपने लिए तो कर ही रहें तो उस हवाले से जो है उन्होंने सोचा कि भाई क्या काम किया जाए तो ख्याल आया कि जी तालीम एक ऐसा शोबा है एक ऐसी चीज़ है जिसकी अशद ज़रूरत है हमारे मुल्क को हमारी कौम को और ये एक ऐसा काम है जो एक जारी रहने वाला काम है बिल्कुल तो कोई काम ऐसा किया जाए कि जो हमारे गुजरने के बाद हमारे जाने के बाद भी उसका फैज आता रहे तो ये मकसद था कि तालीम में हमने अच्छा शुरू इस तरह किया उमरगोट में एक अबेंडेंड स्कूल बिल्डिंग थी जो कराची के मुजाफात में एक सॉर्ट ऑफ स्लम है आज भी इसी तरह हैं वस्म का इलाका है तो वहाँ पर हम लोगों ने एक अबेंडेंड स्कूल बिल्डिंग को टेक ओवर किया अब हम हैं तो कारोबार से ताल्लुक़ लेकिन बस इस काम में कूदे तो फिर वो टीचिंग भी सीखी फिर वो स्कूल चलाना भी सीखा और वॉट स्टार्टड ऑफ विद डेट वन स्कूल अलहमदिल्लाज़ ना हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स ऑल अक्रॉस सिंध माश माशा माशाल्लाह और एजुकेशन दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट जी बिल्कुल ये हमने शुरू इस तरह किया था कि वो जब स्कूल खोला तो उसमें जाके मस्जिद में ऐलान किया कि बच्चों आपके मोहल्ले में स्कूल खुल गया है आप लोग आए हैं आपको हम उनको अट्रैक्ट किया और फ़्री एजुकेशन स्टार्ट की लेकिन उसके बाद फिर हमें महसूस हुआ कि ये मुफ्त की चीज़ की कोई कदर नहीं होती लिहाजा हमने फिर एक टोकन फीस रखी है दो सौ रुपये चार सौ रुपया बहुत ही मुनासिब रखी है जबकि हमारा ख़र्च इस वक्त एक फी बच्चा तकरीबन पंद्रह सौ रुपया महीना आता है अच्छा तो वो दो सौ तीन सौ रुपया भी रखने का मकसद ये है कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप हो और जो बच्चों के वालदेन की जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मज़ूर्णा। वो मजरू ना हो बिल्कुल और थोड़ी सी मेरे ख़्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है फिर आपको आप जब थोड़े से पैसे ओबली एक गरीब आदमी के लिए दो सौ चार सौ रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं बिल्कुल सही फरमाया आपने बल्कि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि जब फ्री फ्री शेप थी तो उस वक्त तो स्कूल चल रहा था लेकिन जब से हमने फीस शुरू की तो पेरेंट्स ने मुतालबा किया भाई हमें स्टैंडर्ड की तालीम दीजिए हम फीस दे रहे हैं अच्छा तो अलहमदल्ला वो बड़ी खुशी की बात थी कि जी वो वहाँ से पेरेंट्स की तरफ भी पूछाया कि जी क्वालिटी इम्प्रूव की जाए और बेहतर किया जाए और अलहमद लाला अब सूरतयाल ये है कि अभी इस दफ़ा जो मेट्रिक बोर्ड के एग्जाम हुए हमारे तो उसके अंदर हमारी थरपारकर की रीजन के जोन के बच्चे मेहरापुर के जोन के बच्चे और कुछ हमारे यहाँ कराची के कोटीडेरों का एक इलाका है ए प्लस ए ग्रेड एट्टी परसेंट बच्चों का ए ग्रेड या ए प्लस ग्रेड आया माशा मैट्रिक के बोर्ड में माशा तो सिर्फ कहाँ तक आप लोग एजुकेशन दे रहे हैं हमारा आ, आ, मकसद ये है कि हम जो है ये एक बेसिक एजुकेशन एक और उन बच्चों को दें जहाँ जिनको तालीम मैसर ही नहीं है अच्छा। तो हम जाते ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे स्कूल हो ही नहीं ठीक है तो हमने इस वक्त तो हम अपना हदफ रखा हुआ है कि हम मैट्रिक तक पढ़ाएंगे ठीक है और उन बच्चों को ख़ास तौर पे हम लोग जो है वो टेक ऑन करेंगे ऑन बोर्ड लेंगे जो आउट ऑफ स्कूल है ठीक है ताकि जो किसी स्कूल में जा रहे हैं बच्चे तो चलें उनका तो फिर भी कोई बंदोबस्त हो रहा है लेकिन जो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्कूल है और इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की तकरीबन ऑस्ट्रेलिया की मुकम्मल आबादी से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं पाकिस्तान वेरी ट्रू बिल्कुल सही बात है और ये इसलिए हम बार बार जो है वो बैंक डिटेल्स भी चलाते रहते हैं यहाँ पर आप ये प्लीज़ नोट कर लीजिए बैंक डिटेल्स चलती रहती हैं सपोर्ट करना है देखें आने वाले वक्त में अगर हमें मुकाबला करना है दुनिया का तो वाद एक चीज़ है वो है तालीम और तरबियत जिस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली जब बच्चे स्कूल जाते हैं ऐसे लोग जो बेसिकली कारोबार करते हैं इंडस्ट्रीज चलाते हैं वो अपना काम छोड़ के या अपने काम के दौरान वक्त निकाल के वो बच्चों की तालीम पे काम कर रहे हैं तो दैट मीन के दे अ ग्रेट सपोर्ट एक छोटा सा पैकेज है, पैकेज से वापस आते हैं फिर साथ, साथ से और गुफ्तगु करते हैं दारा है ट्रस्ट है और एक स्कूल से काम शुरू किया था और तीस हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं और जिस तरह ये काम कर रहे हैं उन कच्ची बस्तियों में जहाँ मतलब कुछ सोच नहीं सकता कि यहाँ भी तालीम हो सकती है और वो बस्तियाँ इतनी खुश हैं बग़ैर बिजली के रोशन हो गई हैं सिर्फ तालीम हासिल करने की वजह से थोड़ी सी मेहनत थोड़ी मोहब्बत थोड़ी सी शफकत ये सारे बच्चे खुद ढूंढ लेंगे मंजिल के रास्ते ये आपके ये मेरे बच्चे जी बैंक डिटेल्स आपने देखी अनवर मकसूद साहब का आपने बयान भी सुना थैंक यू अनवर साहब थैंक यू सो मच आप uh, ऐसे ऐसी बहुत सारी ट्रस्ट हैं जहाँ पे आप हमेशा नजर आते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे खुशियाँ दे uh, साथ साथ कोई तरबियत भी है साथ भाई या सिर्फ एजुकेशन पे ज़्यादा अभी फोकस है बिल्कुल कोई तरबियत नहीं है अच्छा <laughs> तो तो बिजनेस हमारा तो टेक्सटाइल्स चमड़े और टेक्सटाइल्स का काम है और इसी तरीके से जो हमारे मैं तो खैर मुझे तो आप कहेंगे कि मैं सेकंड जनरेशन हूँ जिसने अब तीस साल हो गए अलहमद ला तो असल बानी तो हमारे बुज़ुर्ग हैं हमारे बड़े हैं तो ये नेबरहुड में जो दोस्तों ने मिल जो चीज़ शुरू की थी तो वो अलहदुल्लह आपके सामने है तो ये काम करके सीखा है ठीक है और अब अलहमद्ला आप सूरत हाल ये है कि वी हैव वी हैव गॉट अबाउट थर्टी टू थाउजेंड स्टूडेंट्स माशा अंडर आर नैटवर्क माशा उसके अंदर दो हज़ार या बच्चे हैं और आप लोग मैट्रिक तक पढ़ा रहे हैं बच्चों जी मैट्रिक तक पढ़ा रहे हैं चलें एटलीस्ट तो वो उसमें बेसिकली अब तो इतना माशा वो जिसे कहते हैं ना कि लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता गया तो अब सूरत हाल ऐसी होगी है कि अब वी गॉट अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट अच्छा और वो पूरा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से सब हमने प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखी है के हैं पूरा सिलसिला है तो अब हमारा काम ये है ट्रस्टीज़ का है कि एक ओवरऑल विजन देनी है और हम लोग जो है पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलंथ्राफी से भी क्रेडिटेड हैं शरिया कम्प्ल्ट भी हैं और इसके अंदर हम लोगों की कोशिश ये होती है क्योंकि हम खुद डोनर हैं सबसे पहले तो हमारे सद के ज़क़ात इसमें लगते हैं अच्छा उसके बाद फिर अब जो है वो क्योंकि इस सूरत हाल ऐसी हो गई इतनी बढ़ गई है कि नाव वी आर आउट अब हम आए हैं यहाँ आपके पास आपके तवसुस से जो है वो ये आप ऑडियंस से मुखातब हैं और वो कहते हैं ना कि जी आजकल हालात जिस किस्म के हैं तो यहाँ नेगेटिव न्यूज़ फ़लॉँ ढिका तो वो उसके ऊपर जो है वो अहमद फ़राज का कॉल है कि शिकवाएल शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाते तो आपने एक क्षमा जलानी है ये एक शॉर्ट कोड आपके पास आ रहा है आप सब के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन उठाइए उसके अंदर शॉर्ट कोड 8891 पे आप अपना नाम लिख के वह हमें सेंड कर दें उससे तीस रुपये आपके हिस्से के इस कार खैर में शामिल हो जाएंगे और आप भी जो है वो इस फैज़ के काम में आपका भी जो है इसमें हिस्सा डल जाएगा साथ एक बच्चा वैसे अगर हम मंथली बात करते हैं तो उसके क्या क्या खर्चा है मंथली पंद्रह सौ रुपये पंद्रह सौ रुपये मतलब ये सालाना हो गए तकरीबन कुछ भी नहीं है जी मतलब कोई बहुत भी हुआ तो देखिए अगर आप इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो अपने फिगर्स हैं उसके हिसाब से उन लोगों के जो सरकारी अखराज होते हैं ना फी बच्चे के वो वो हैं तकरीबन पच्ची सौ रुपया अच्छा तो जहाँ पे भैंसें बंदी हुई हैं अल्लाह खैर करे जी मतलब <laughs> हाँ वो तो हालात आपके सामने हैं लेकिन ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि इसमें जो है वो हम आ, बेहतरीन बेहतर से बेहतर तालीम दें और रिज़ल्ट आपको जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि वो मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट है हमारा अपना तो रिज़ल्ट नहीं है मुझसे ना बड़े लोग ये अक्सर जो बचपन से बाहर चले गए हैं काम कर रहे हैं वहाँ पे वो मुझसे पूछते हैं कि यार फैसल ये क्या है यार ये पाकिस्तान में ये इतनी इतने सारे ट्रस्ट खुले हुए हैं कोई एजुकेशन पे बात कर रहा है कोई सेहत पे बात कर रहा है मैंने कहा यार मसला ये है हम पाकिस्तानियों ने ना अपनी मदद आपके तहत बहुत सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं और फिर हमारे लोगों ने भी ये समझ लिया कि फ़िलंसोफ़ी पर अगर हम बात करते हैं तो अलहमदिल्ला पाकिस्तान पहले दूसरे नंबर पर आता है और उसमें लोग बहुत दिल खोल के सपोर्ट करते हैं हर तरह से वो चाहे दिल के अमराज हों एजुकेशन हो किसी भी किस्म की सेहत हो आँखों के मसाइल हों खीन के मसाइल हों तो लोग बहुत हेल्प आउट करते हैं तो भाई मसला ये है हम थोड़ा सा अपनी मदद आपके तहत चलते हैं और इसीलिए हम ये बात ही होती है कि बात आगे पहुंचानी होती है साथ साथ भी यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि ज़्यादा नहीं तो तीस तीस रुपए करके अगर आप कोर्ट पे भेज भी देंगे तो तीस रुपए का पता भी नहीं होता तीस रुपए का तो आज शायद रोटी होगी हैं में एक कप की चाय होगी एक कप की चाय की कुर्बानी देनी है आपने so, सोचें कि कितने बच्चों का फायदा हो जाएगा थैंक यू साहब हमेशा से जना एजुकेशन के लिए तो मैं सबको यही कहता हूँ भाई बहुत जरूरत है सो थैंक यू सो मच आप ये सब कुछ कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और कामयाबी दे मैं छोटी सी ब्रेक पे जाऊँगा ब्रेक से वापस आते अलगम जी कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक हैं राह नेकी का सिलसिला जारी है लेकिन हमारे साथ इस वक्त जो एक प्रॉपर अवेयरनेस <bilmiyorum> जो प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम है आ, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम जो कि 2014 में इस्टेबलिश हुआ था आ, उसके कुछ गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ डिप्टी मैनेजर रिसोर्स मोबाइलेशन के डी एस पी मिस फला ख़ान यहाँ पर मौजूद हैं सैयद इफ्रा फ़हीम जो डिप्टी मैनेजर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। हैं आप लोगों को देखता है आप लोग यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं आप लोग ये काम कर रहे हैं <laughs> और मेरे साथ एक यहाँ पे फैमिली भी मौजूद है जिनसे हमने बात करनी है बाबर साहब हैं वालदा हैं हुमा और हमारे साथ जुनैरा भी हैं जुनैरा यू ठीक ठाक क्या बात है और डाउन सिंड्रोम के हवाले से बहुत सारी बातें करनी है हम थोड़े दिन पहले भी इतफाक है डाउन सिंड्रोम के हवाले से काफ़ी बात कर रहे थे और आज भी मेरे साथ यहाँ पे हुमा मौजूद हैं जो कि जिनको डाउन सिंड्रोम है और ये एक जो जनरल परसेप्शन है कि ये कोई बीमारी है ये कोई ऐसी चीज़ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये बच्चे बड़े ख़ास हैं ये बहुत ख़ास हैं इनको अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा जो लोग ख़ास होते हैं उनको समझना पड़ता है सो so, अल्लाह की तरफ से समझें कि पेरेंट्स के लिए ये एक चीज़ आ जाती है कि समझो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं तो ये बच्चे ख़ास यहाँ पे मेरे साथ और ये जो हमारी एन है वो भी यहाँ पे है लेकिन मसला ये है कि ब्रेक है और मेरी बात बीच में रह गई चले जी छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आता हूँ वा सलामकुम जी आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहता हूँ जुनैरा वो सामने वाले कैमरे में से वेलकम बैक ये आप सबको हम फिर वेलकम बैक करते हैं एन uh, जी की बात कर रहे हैं माशाल्लाह आप लोगों को सबसे पहले तो मुबारक वो आज दस साल मुकम्मल किए हैं आप लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेसन बहुत बहुत मुबारक अल्लाह पाक और कामयाब करें और कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम 2014 से चौदह uh, जो तमाम बच्चे जो डाउन सिंड्रोम में रहे हैं uh, उनकी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं आप लोग क्या उसमें क्या मतलब प्रोग्राम की चीज़ों में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आप खास आप लोगों के प्रोग्राम का हिस्सा बनी। ये, ये बात करने से पहले, तो पहले कि के, के तो करता तो क्या है आ, उन बच्चों के लिए जो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं मैं ये जरूर बताना चाहूंगी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के डाउन सिंड्रोम है क्या जैसे आपने कहा कि डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है अब जब मैं कह रही हूँ जेनेटिक कंडीशन उसका मतलब है हम अपने पेरेंट्स से जीन्स एक्वायर करते हैं एक एक्स्ट्रा क्रोमोज़ोम होता है बस बॉडी में जिसकी वजह से बच्चे को डाउन बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है इक्कीसवा क्रोमोसोम तो टोटल ट्वेंटी थ्री होते हैं जिसमें से इक्कीसवें में एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है यानी तीन होते हैं और इसीलिए आज यानी ट्वेंटी मार्च को ट्वेंटी वन एंड थ्री ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम ने मनाया जाता है एंड वी रियली थैंकफुल कि हम यहाँ हैं डाउन सिंड्रोम की वजह से बच्चों के अंदर कुछ कंडीशन डिवेलप होती हैं जैसे कि उनको कोई एक मसल कंडीशन होती है जिसका नाम है हाइपोटोनिया उसमें होता यह है कि बच्चे के मसल्स बहुत लूज और फ्लेक्सीबल होते हैं यानी बहुत नरम और उसमें लचक बहुत ज़्यादा होती है, है। उसकी वजह से उनके ज़िंदगी के पहले हज़ार दिन जो हैं वो बहुत क्रूशल हैं उनको पहले तीन साल में तीन तरह की थेरेपीज़ चाहिए होती हैं फिजिकल ऑक्यूपेशनल और स्पीच अब के क्या करता है इसके साथ साथ कोई और भी उनकी कभी कभी हेल्थ इंप्लीकेशन भी होती हैं उनकी एजुकेशनल uh, नीड्स में भी कभी ज़्यादा गौर करना पड़ता है बिकॉज दे माइट नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट के डी एस पी एज एन इदारा इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम यानी अगर आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है और आप के डी एस पी आएँगे तो सिर्फ उसकी थेरेपी नहीं होगी सिर्फ उसकी एजुकेशन नीड्स को केटर नहीं किया जाएगा उसके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी वो है क्या हम अपने आप को एक कश्ती से रिप्रेजेंट करते हैं और हम कहते हैं कि जब भी कोई फैमिली के डी एस पी के दरवाज़े पर आती है तो वो हमारी कश्ती में सवार हो जाती है और ज़िंदगी के जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उसमें हम साथ हैं वो कश्ती सिर्फ़ एक बोट नहीं है एक कश्ती नहीं है वो हमारे सर्विस एरियाज़ का मुखफ़ है सो so, के से होता है ख़ानदानी सहारा यानी फैमिली सपोर्ट हम फैमिलीज़ को हर तरह से सपोर्ट करते हैं बी एड इन्फॉर्मेशनल सपोर्ट फैमिलीज़ को आपस में कनेक्ट करना ताकि वो एक दूसरे से चीज़ें सीख सकें साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे पास ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो फुली सर्विसेज पे कर रही हैं उनके लिए और ऐसी भी हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती सो so, हर तरह की फैमिली आती है के डी एस पी में फिर ए से आगाही अवेयरनेस हम हर प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस फैलाते हैं बी एड मीडिया चैनल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई अवेयरनेस सेशन हमारे होते हैं एस से होता है सेहत uh, कभी कभी जिन जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं उनके दिल में सुराख होता है या कोई हेयरिंग का इशू हो सकता है तो उन हेल्थ केयर नीड्स को केटर करने के लिए हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनर करते हैं Uh, साथ ही साथ एस के बाद एच एच यानी हुनर सो के डी एस पी जब शुरू हुआ 2014 में तो वो छोटे बच्चों को थेरेपीज़ दी जा रही थी तो वो uh, माँ बाप जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे वो उस एज से गुजर चुके थे जब उनको थेरेपी मिलती वो आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं करें वज से गुज़र चुके हैं शायद वो बोल सही से नहीं पा रहे हैं लेकिन उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए तो फिर ये हुनर यानी स्किल्स डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू हुआ जहाँ पर बच्चे प्रोडक्ट्स बनाते हैं स्किल्स सीखते हैं पेंटिंग पॉटरी वीविंग स्टिचिंग और वो इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि के की शॉप यानी लहर के नाम लहर के नाम से हमारी शॉप है के में भी है ऑनलाइन भी है लहर बाय के और वो प्रोडक्ट्स वहाँ सेल होते हैं एंड जो भी प्रोसीड उससे आते हैं वो उन बच्चों को वापस जाते हैं एंड वो उनको ख़ुद मुख्तार बनाने का तरीका है एंड दैन फिर इसके बाद आता है तालीम तालीम में हम सिर्फ uh, ये नहीं कर रहे कि हम उनको अलग से के डी एस पी में क्लासेज दे रहे हैं बट हम उनको एक मेन स्ट्रीम यानी आम स्कूल में जाने के लिए तैयार करते हैं कि अगर एक बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ है इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक जगह अलग ही रहेगा उसको हमें अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है और वो कैसे करना है हम उनको स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं और साथ ही साथ हम स्कूल्स के साथ पार्टनर करते हैं कि वो इंक्लूसिव बने यानी वो हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करें एंड देन आखिरी आता है इब्तदाई बुनियाद जो कि है वो तीन थेरेपीज जो मैंने शुरू में बताई वो के डी एस में तकरीबन तीन सौ के करीब वीकली सेशन स्कैडल हो रहे होते हैं हमारे दो सेंटर्स हैं कराची में पी सी एच एस सिक्स में के डी एस पी डेवलपमेंट सेंटर एंड के डी एस पी लर्निंग सेंटर तो ये सारी सर्विसज़ हैं जो के डी एस पी में दी जाती हैं और के डी एस पी इस बात की को एडवोकेट करता है कि हर तरह के इंसान को इंक्लूड करना है और उनको उनके कबूलियत के लिए काम करता है, wow. पहला स्टेप यही है कि आप एक्सेप्ट करेंगे और ये बात जानेंगे कि वो हर चीज़ कर सकते हैं बस उन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है बाबा साहब आपको कब इल्मा के डी एस पी को कॉन्टेक्ट किया जाए जुनेरा को कब लेके पहुँचे आप इन लोगों के पास माइक आपके पास है जी सुनहरा जो पैदा हुई थी हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि शी शी इज़ बॉर्न विद डाउन सिंड्रोम और अ, अ, शी वाज बॉर्न इन लाहौर आफ्टर थ्री फोर मंथ वर इन कराची तो अ, फैमिली से बताया कि शी हैज़ सम टिपिकल फीचर्स बेसिकली इनके फीचर्स जो होते हैं बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल रहे होते हैं माँ मा, मा, बाप बहन भाई के साथ तो हमें नहीं पता था तो देन वी वेंट बैक टू लाहौर और वहाँ पे डॉक्टर्स ने एक टेस्ट रिकमेंड किया तो उससे हमें पता लगा कि शी एस डाउन सिंड्रोम ठीक है इस तरह फिर टू पहली बात तो यह है कि हमें खुद एक्सेप्ट करना है दुनिया को तो बाद में एक्सेप्ट करवाना है ना ये चीज़ों को पे वी मूव ऑन वी रिसर्च एंड वी एवरी थिंग बेसिकली हुम डिड एवरी थिंग जो रिसर्च गूगल और सब चीज़ें वो उस वक्त अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी डाउन सिंड्रोम के हवाले से हम पाकिस्तान में और उस वक्त के डी एस पी भी नहीं तकलीफ में आया था तो हम कराची मूव हुए स्कूल था माइल स्टोन उसकी जो जब वो बिल्कुल शुरू हो रहा था और जोनेरा उस वक्त एक एक स्पेशल स्कूल में थी तो वहां से हमें पता लगा कि एक, of families है जिनके बच्चों को भी डाउन स्टार्ट अ प्रोग्राम तो वहाँ से जोनेरा की जर्नी स्टार्ट होती है के डी एस पी के साथ और के डी एस पी ने हमें किस तरह हेल्प किया के डी एस पी ने हमें फैमिली सपोर्ट ग्रुप सेशन में बुलाया और बार बार बुलाया उससे ये हुआ कि हम और वालदे के साथ कनेक्ट हुए जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम था और फिर जब उनसे मिलते थे तो हमें बहुत होप मिलती थी हमें बहुत मोटिवेशन मिलती थी कि हमारी बच्ची बहुत कुछ दुनिया में कर सकती है क्योंकि तो ऑब्वियसली अगर आपके बच्चे का कोई इस तरह का एकदम से डायग्नोसिस आता है तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है बिकॉज पाकिस्तान में ऐसी चीज़ होना और फिर आपको कोई नॉलेज ही नहीं है कि डाउन सिंड्रोम कि बच्चे की आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे ज़िंदगी में सबसे पहले तो आपकी आंखों के सामने उसका फ्यूचर घूमना शुरू हो जाता है आप सोचते हैं इसको हम पढ़ाएंगे क्या हम इसकी शादी कहाँ करेंगे इस तरह की बातें ऑब्वसली आपके जहन में आती हैं जब आप पेरेंट्स होते हैं और मोर ओवर जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने कुछ हमें बहुत जो इनके पेडिटिशन थे जिन्होंने डिस्कलोज़ किया था कि कैरियो के है और इनको ट्राइसोमी है उन्होंने हमें कोई बहुत अच्छी बातें नहीं की उन्होंने कहा कि ये ना कभी चल पाएगी ना ये कभी स्कूल जा पाएगी ना ये कोई ऐसा काम कर पाएगी जो आम बच्चे करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इमोशनली हमारे लिए कितना वो ट्रामा था बट नाओ नॉट ओनली शी कैन वॉक शी कैन स्विम एज वेल स्विमिंग भी करती हैं जुनेरा शी कैन रन एज वेल एंड शी इज़ एट द मोमेंट डूइंग पियानो क्लासेज एट के डी एस पी कंप्यूटर क्लासेज जुनैरा ने आठ साल एक मेन स्ट्रीम स्कूल में गई हैं और ये कोविड के दिनों में हमने इनको uh, वहाँ से विड्रॉ करा था आफ्टर दैट हमने इनको KDSP के डी एस पी के टैप प्रोग्राम में डाला टैप प्रोग्राम का मतलब होता है टेलर्ड असिस्टेंस प्रोग्राम ये उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था और हर बच्चे का डिफरेंट आईईपी बनता था आईईपी का मतलब होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्योंकि हर डाउन सिंड्रोम बच्चे की कैपेबिलिटी दूसरे बच्चे से बिल्कुल फ़र्क होती है तो KDSP के के चूँकि माहिर सारे लोग टीम बैठी हुई थी और उनको पता था कि किस तरह डाउन सिंड्रोम के बच्चे को एजुकेशन प्लान बनाना पर चाहिए तो ढाई साल माशा ने जुनेरा ने बहुत सक्सेसफुली वहाँ से अपना टैब प्रोग्राम कंप्लीट किया और नाउ शी इज़ गोइंग टू अप्लाई फ़ॉर ई एफ एल ई एफ एल मीन्स एजुकेशन फ़ॉर लाइफ प्रोग्राम वो भी के डी एस पी का ही प्रोग्राम है उसमें के डी एस पी बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट करते हैं कि वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं मैं इसमें ऐड करती चलूँ तो एजुकेशन फ़ॉर लाइफ उन्होंने कहा तो वो उन इंडिविजुअल्स uh, के लिए जो तो थोड़े बड़े हैं टीन एज टीन एज में हैं अपने ट्वेंटीज़ में हैं एंड हमारे पास मिसालें हैं जो एजुकेशन फॉर लाइफ से हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप कर रहे हैं कोई किसी स्टार्टअप में काम कर रहा है कोई किसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा सपोर्ट दें चाहे वो स्कूल के लेवल पे हो चाहे वो एक थेरेपी के फॉर्म में हो वो बच्चा हर चीज़ कर सकता है अगर हम उस एज अ सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करें कि हम मुख्तलिफ भी हो सकते हैं बच्चे एंड वही बात है कि एक क्लास में अगर एक टिपिकल क्लास रूम में भी आप बैठे हों एक बच्चा मैथ में ज्यादा अच्छा है एक साइंस में ज्यादा अच्छा है कोई स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा होगा हम ये तो नहीं करते कि उनको अलग अलग बॉक्स में डिवाइड कर दें और बिठा दें तो इसी तरह इन बच्चों की भी नीड्स मुख्त हैं नीड्स मुख्तलिफ होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम इनको बिल्कुल एक्सप्रूट कर दें उसका बस ये मतलब है कि नीड्स को सही तरीके से छोटी सी बात से ये भी जरूरी है कि आज के प्रोग्राम के थ्रू ये अवेयरनेस भी जानी चाहिए बहुत सारे पेरेंट्स को कि आई कैन अंडरस्टैंड आई कैन रिलेट टू यू गाइज बिकॉज यू नो एज़ अ पेरेंट बच्चे की ज़रा सी भी तबीयत ख़राब होती है तो आपकी क्या हालत होती है uh, ये बात समझते हैं आज हम सभी समझते हैं जो बच्चों वाले uh, जब एक बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है और जब ये बात आपको पता चलती है तो ऑबियसली एक तो फैमिली का प्रेशर भी हमारे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होता है ख़ाम मोहल्ले खाम का भी होता है फैमिली का भी होता है और पता नहीं कौन कौन से प्रेशर होते हैं उन पेरेंट्स का भी जो सपोर्ट प्रोग्राम है जब आप बात कर रही थी तो मेरे कान में जो मेरे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि यार इनकी भी पूरी ट्रेनिंग हुई हुई है तो मैंने कहा ये ये मैं अब मैं कह दूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर उस पेरेंट के लिए जिनका बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता आई मेट फ्यू डाउन सिंड्रोम के बच्चे जो स्पेशल ओलंपिक्स में जाते हैं वॉलीबॉल के मैचेस जीतते हैं कराटे के मैचेस जीतते हैं रनिंग करते हैं जॉलिंग थ्रो करते हैं बॉक्सिंग करते हैं क्रिकेट खेलते हैं गाने गाते हैं डांस भी करते हैं बड़ी मज़े मज़े की बातें करते हैं बात यह है कि थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट उनको देना पड़ता है बट उसके साथ साथ जो पेरेंट्स होते हैं Uh, उनके लिए भी uh, एक एक बड़ा ये टफ टाइम होता है इन द बिगिनिंग जब आप ये ख़ुद एक्सेप्ट कर लेते हैं आप ये कर लेते हैं एक्सेप्ट कि हाँ या मुझे ऐसे ही लेके चलना है तो भाई थोड़ा सा बग़ैर डर एक पैकेज भी है मेरे ख्याल से वो पैकेज देख लें फिर उसके बाद वापस आके कर बात करते हैं इस रमज़ान अपनी ज़क़ात और अतियात के डी एस पी को दें ताकि डाउन सिंड्रोम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला हर फर्द ख़ुद मुख्तारी के साथ जिए और खुल कर मुस्कुराए You won the हमारे हीरोज अवार्ड एज़ वेल आई आई सॉ हर इन पीएसएल या या मैंने फरा को देखा था वहां पे वो हमारे शोस पे भी आ चुकी हैं बड़ी मजे मजे की बातें करती मेरे ड्रामे देखती है और मुझे बताती रहती है तो मैंने कहा अच्छी बात है अच्छी बात है सो देखिए जी बात यह है कि थोड़ा सा एक सपोर्ट प्रोग्राम है और उस सपोर्ट प्रोग्राम में हम बार बार ये बात कर रहे हैं माह रमज़ान में खास तौर से अल्लाह पाक वैसी बरकत के दरवाजे खोल देता है और जितना भी हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आते हैं बोनस उतना हमें मिलता है अल्लाह की तरफ से तो ये नंबर्स चल रहे हैं बैंक डिटेल्स चल रही हैं मैं यहाँ एक बात करती चलूँ के डी बनाया क्यों गया था ये जानना बहुत ज़रूरी है जैसे अभी हमा ने अपनी कहानी सुनाई इसी तरह जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि आप अपने बच्चों के बारे में हमें कुछ बताएं। सो so, आप बिलीव नहीं करेंगे जो आंसर्स आ रहे होते हैं वो अक्सर हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं पेरेंट्स हमें इस तरह बताते हैं कि आ, हम आपको इनके बारे में क्या बताएं? ये तो हमारे घर की रौनक है या ये मेरी बेटी है ना ये बिल्कुल फूल की तरह है बस पूरे घर में ना महकती रहती है या समटाइम्स पेरेंट्स आके हमें बोलते हैं कि ये हमारा लक है चार्म है और जब से ये पैदा हुई है ना हमारे दिन बदल गए सो so, जब हम ऐसी बातें सुनते हैं ना पेरेंट्स के लिए तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अब आप दो सेकंड का पॉज लें और आप वो तकलीफ़ इमेजिन करें एज अ पेरेंट आपको पता होगा कि वो तकलीफ़ कैसी होती है जब कोई डॉक्टर आके आपको कहे या कोई रिश्तेदार आके आपको कहे कि यू नो ये वाले आप इन बच्चों के ऊपर अपनी रिसोर्स को वेस्ट ना करें या अपनी इतनी इमोशन इन्वेस्टमेंट ना करें या अगर आपके और बच्चे हैं तो आप उनके ऊपर अपना टाइम लगाएं यू you नो know, मुझे हमें ऐसा लगता है कि कोई भी पेरेंट्स ये डिज़र्व नहीं करता कि आप उनको आके अपने बच्चों उनके बच्चों के बारे में ऐसा कुछ कहें सो के डी आया ही वजूद में इसलिए कि जो हमारे फाउंडर्स हैं उन्होंने इस तकलीफ को ना बड़े करीब से महसूस किया जब उनकी बेटी पैदा हुई और उनको डॉक्टर्स ने कहा कि आप इस पर ना ख़र्च करें इतना कोई ज़रूरत नहीं है ये बड़े होकर क्या करेगी सो so, उस टाइम पे उनको रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा अदारा पाकिस्तान में होना कितना ज़रूरी है जहाँ जो पेरेंट्स हैं वो अपने ऐसे बच्चों को लेके आ सकें ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटेंशन डिजर्व करते हैं और फिर वो सब कर कर, सकते हैं अब 10 साल में के ने माशाल्लाह सोसाइटी में ऐसी मिसालें कायम कर दी हैं हमारे बच्चे इंटर्नशिप ख़त्म कर रहे हैं अपनी हमारे बच्चे जॉब्स कर रहे हैं हमारे बच्चे सब कुछ कर रहे हैं जैसे टिपिकल इंडिविजुल्स होते हैं अब अगर आप स्टार्स देखें तो पाकिस्तान में तीन लाख लोग हैं जिनको डाउन सिंड्रोम है और कराची में तीन हज़ार बच्चे हैं या तीस हज़ार लोग हैं मैं इस पॉइंट पे मेरा एक क्वेश्चन है कि कितने लोग आपको नज़र आए आज तक हम घूमते हैं ना हम मॉल्स में जाते हैं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ये बहुत कंसर्निंग बात है लोग क्यों नज़र नहीं आ रहे सो के डी दिन और रात कोशिश करें कि आपको एक्चुअली ये लोग हर जगह नज़र आए लाइक like, हर फील्ड में नज़र आए ताकि यू नो इनको मतलब हम क्यों Uh, हमें क्यों बताना पड़ रहा है कि ये एग्जिस्ट करते हैं क्यों बताना पड़ रहा है ये हर जगह नज़र आने चाहिए so, सो जैसे अब एक छोटी सी बात ऐड करती चलूँ जैसे फ़लाह ने कहा कि बच्चे नज़र आने चाहिए जब के डी एस पी की बुनियाद रखी गई अली और फ़रजीन हमारे को फाउंडर्स हैं उनकी बेटी है अलिया वो टू थाउजेंड अलेवन में पैदा हुई एंड टू थाउजेंड फोर्टीन में के डी एस पी स्टार्ट हुआ तीन साल बाद क्यों क्योंकि उन्हें भी इसी कोई सपोर्ट नहीं मिली इस मुल्क में इस शहर में एंड दे हैड द रिसोर्स यू एस गए उन्होंने अलिया को सारी थेरेपीज़ वग़ैरह दी वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ जो जाके देखी ना वो ये तो ज़रूर थी कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिल रही हैं बट एक और चीज़ जो बहुत अहम उन्होंने देखी वो था कि सोच मुख्तलिफ थी जब बल्कुण. अली क्लिनिक में एंटर हुए और पहला इंसान उन्होंने रिसेप्शन पे देखा दैट वाज अ पर्सन विद डाउन सिंड्रोम वो वहाँ बैठा अपनी जॉब कर रहा था तो अली ने सोचा अगर ये वो कर सकता है अपनी ज़िंदगी के साथ जो वो चाहता है तो मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती एंड ही केम बैक विद दैर आडिया के डी एस पी इन टू और के डी एस पी शुरू भी एक बिल बोर्ड कैम्पेन से हुआ उन्होंने एक ओपन कॉल की कि जिन फैमिलीज़ में बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम के साथ वो आए और बस हम उनकी पिक्चर्स लगाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि ये भी कोई कंडीशन है और उसके साथ लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो चाहते थे दस फैमिलीज़ आएँ सिर्फ सात के करीब फैमिलीज़ आएँ एंड और आज हमारे फैमिली नेटवर्क में 2024 में तकरीबन 2000 से ज्यादा फैमिलीज है अच्छा, उस वक्त में फैमिलीज अपने बच्चों को दिखाना नहीं चाहती थी और अब जो जैसे हमारे अपना पैकेज देखा और भी जो वीडियोस बन रही होती हैं फैमिलीज हमसे लड़ती हैं कि आप हमारे बच्चे को वीडियो में ले और हमारे बच्चे को की पिक्चर डाल सुनरा क्या बनना है आपने बताओ शेफ वो देखो सामने हमारी शेफ क्या बना रही यू टू हेल्प तो सर ए हेल्प हर कुछ बड़ा मजे का खाना बन रहा है आज क्या बना रही हैं आप मैं हम बना रहे हैं एग फ्रिटर्स को मुश्किल तो नाम ही लेना तुम जो समझ में ना आए पहले बताओ तो तो तबीयत कैसी है तबीयत सही है बेहतर है अल्लाह का शुक्र है ये हैं अंडे के पकोड़े अंडे के पकोड़े बन रहे हैं थोड़े से हम मांडा पट्टी में रैप करके उसको फ्राई ना नेस्टी लुक आएगा वाओ बनाना Yes. Oh. आपने क्या बनाना है अल्लाह शर्म नहीं आ रही है रही है पिज्जा बनाना है सुनहरा शर्म नहीं कर किया करें आप आप हमें अच्छा सा अगली दफा खाना बना के खिलाएंगी प्रोमिस प्रॉमिस करें क्या yes. okay. क्या बात। बात। बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी आज पूरी दुनिया में डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट हो रहा है और हमें 10 साल भी कम्पलीट हो गए हैं सो so, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी से मैच करती है और अगर आपको भी ये लगता है कि इन बच्चों को पूरा हक हासिल है कि वो जो सर्विसेज डिज़र्व करते हैं उनको वो मिलें ताकि वो टिपिकल इंडिविजुअल्स की तरह सोसाइटी में नज़र भी आएँ और इंडिपेंडेंटली फंक्शन भी कर सकें सो so, आप के डी एस पी को दिल खोल के सपोर्ट करें आप हमें ज़कवात अतिया करें अपने सदके दें अपनी डोनेशंस दें ताकि के डी एस पी इन को प्रोवाइड करता रहे और ये सब इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते रहें थैंक यू थैंक यू थैंक यू एक बस छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगी कि हमने कहा कि हमारा फैमिली नेटवर्क 2000 से ज़्यादा है अभी उसमें से जो 94 परसेंट लोग हैं वो किसी ना किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं और जो हमने इतनी सारी मिसालें दी कि, कि कोई बच्चा इंटर्नशिप कर रहा है कोई आ, कोई प्रोडक्ट बना रहा है फॉर एग्जांपल कोई बैग बना रहा है तो कोई किचन बना रहा है वो बेच रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें लोगों ने सपोर्ट किया है दस सालों में एंड इसी तरह इफ़ वी कंटिन्यू गेटिंग योर सपोर्ट के डी एस पी विल बी एबल टू गिफ्ट सर्विस टू सो मेनी मोर इंडिविजुअल विद डाउंस सिंड्रोम और जुनेरा जैसे और बहुत सारे बच्चे वही बनेंगे जो वो बनना चाहते हैं एंड ज़ुनेरा भी शेफ़ बनेंगे इन शह थैंक यू सो मच छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम दीन और दुनिया में आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ साथ में मजेदार अफ्तार भी चल रही है डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम ऑन द शो आपको भी खुश आमदेद कहते हैं आपने अंडे के पकौड़े बनाने हैं आज नए अंदाज से कुछ जी बिल्कुल आसान कर लेते हैं ना ताकि हर एक को समझ आए अवामी बात करनी चाहिए हाँ बिल्कुल आसान ही है आपको बता देती हूँ मैंने इसमें छः से सात अंडे लिए थे मैंने उनको फुल बॉईल कर लिया अच्छा ये मांडा पट्टी है इसको मैंने बिल्कुल इस तरह से श्रेड कर लिया था ठीक है बेसन मैंने डेढ़ कप लिया है इसको मैंने घोल लिया था ठीक है उसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची जाएंगी थोड़ा सा करी लीफ को मैंने टोस्ट रोस्ट किया था तवे पर उस चॉप करके इसके अंदर जाएगा हरी मिर्चें हैं नमक है और उरेगनो है ये इटालियन स्पाइस है ठीक है ये इसमें नहीं भी मिले तो नॉट अ प्रॉब्लम नहीं डालिएगा हरी मिर्चें हैं हरा धनिया है काली मिर्च का पाउडर है राई दाना है सफेद जीरा है और थोड़ा सा ये क्रश्ड जो है ये मुंगफलियाँ होती हैं जिनको थोड़ा सा मैंने रोस्ट करके उसको थोड़ा सा कूट लिया था तो ये इसके अंदर ऐड होगा ठीक है तो बस फिर हम अंडे को इसमें डिप करेंगे फिर इसके अंदर रैप करके फिर हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे वाह हाँ और इसका एक रायता बना है मैं बता देती हूँ रायते के लिए मैंने वन कप योगट लिया एक कप दही

नारियल ये नारियल सारा नारियल चल exactly. हाँ सो क्लाइमेट चेंज और ट्रांसपोर्ट यस बड़ा अहम ताल्लुक है दोनों का जी धुआं उड़ाती हुई गाड़ियाँ धुआं yes, ना भी उड़ाए तब भी पेट्रोल बंद करते हुए जहाज yes. हजारों टन के हिसाब से yes. लोग समझते हैं कि थोड़ी सी गाड़ियाँ जो है ये पोलूशन फैलाती हैं लेकिन हकीकता जो आसमान पे जहाजों ने पोलूशन फैलाई है जो समंदर में शिप्स चल रहे हैं जो समंदर में शिप्स चल रहे हैं बोट्स हैं शिप्स हैं बिल्कुल मोटरसाइकिल्स हैं गाड़ियाँ हैं हर वो चीज़ जिसके इंजन में फॉसल फ्यूल बर्न होता है जिसमें पेट्रोल बर्न होता है जी। तो वो चलते फिरते पोल्यूटर्स हैं और जो हमारी इन्वामेंट को बहुत जिम्मेदारी से पोल्यूट कर रहे हैं अच्छा हम क्योंकि इस पूरे हफ्ते में हमने क्लाइमेट चेंज पे बात की है और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पे उसकी वेनेबलिटी पे हम बात करते आए हैं तो आज एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं और ट्रांसपोर्ट को तकरीबन थर्टी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्ट का है जिस तरह अभी आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट जस्ट कार एंड मोटरसाइकिल हमारे जो जहाज़ हैं इसके अलावा जो शिप्स चल रहे हैं जिस भी इंजन में आप फॉसल फ्यूल को बर्न करेंगे तो ओबियसली उससे पोल्यूशन होगा आप ये कहते हैं पाकिस्तान में कोई 10 परसेंट लोग जो हैं वो उनके पास ट्रांसपोर्ट मौजूद है अगर आप गाड़ियों को देखें तो हर साल मेरे खाले कोई तीन चार लाख तीन चार हज़ार या दस बीस हज़ार गाड़ियाँ ऐड होती हैं इसके अलावा कोई सात लाख के करीब या मे बी प्लस गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं कई बिलियन कार्स जो हैं वो दुनिया में बन रही हैं और पहले कोई सिक्सटीज़ की बात है जब गाड़ी बनी शुरू हुई तो वो बहुत कम लोगों के पास होती थी फिर जब मास प्रोडक्शन शुरू हुई तो अब एक आदमी के पास दो गाड़ियाँ और एक घर में दो से ज़्यादा गाड़ियाँ रिवाज हो गया खास खासतौर पर शहरों में पूरी दुनिया में अच्छा आप अगर देखें तो कुछ तस्वीरें अगर ये दिखा दें तो हमने देखा कोशिश की है कि कुछ लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग से फिनिना बताएं कि अगर आप फोर्टी सेवन फिफ्टीज में चले जाए कराची का लैंडस्केप देखें तो रोड पे चंद गाड़ियाँ होती थी और अगर आज आप चले जाएं, अच्छा नीचे वाली ये देखें ना ये पूरा वो बंदा रोड था और इस वक्त गाड़ियों का हाल देखिए पूरा बंदे भी तो कम थे ना बंदे भी तो कम थे फिर हमने मेहनत इतनी की exactly, बंदे बढ़ गए और बंदों के साथ गाड़ियां बढ़ गई क्योंकि मास प्रोडक्शन हुआ तो उसी तरह से ये गाड़ियों के नंबर और ये बंस रोड बंदर रोड का हाल है जी एक तो आप गाड़िया में तेल जलाना इट्स इज वेरी डेंजरस और उसके साथ जब आपकी गाड़ियों की वर्दी सर्टिफिकेशन ना हो हमारे मुल्क में बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियाँ चल रही होती है, uh, I don't know, आपका शौक है नहीं मेरा है अभी हम विंटेज कार एग्जीबिशन थी दिसंबर में तो हम गए थे मुझे बिल्कुल नहीं है 19, 19, 18, 26, मैं इतने के चक्कर नहीं लगा सकता मेरे पर टाइम ही नहीं होता देखने में अच्छी लगती हाँ देखने में तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है इसका मतलब ये थोड़ी ये जो गाड़ियों का जो एक रश सैलाब जो आया है इस वक्त जब कंजेशन होती है तो वो जो धुआं जो नॉर्मल गाड़ी है उससे मल्टीप्लाई होकर जितनी स्लो गाड़ी चलेगी उस उतना ज्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स निकालते हैं जितनी ज्यादा आपकी गाड़ी लेकिन नई गाड़ियों में तो ये प्रॉब्लम नहीं होता देखिए बर्न तो हो रहा है ना आप ये तो नहीं रिलेटिवली कम है बट आपकी बर्निंग तो हो रही है ना आपके इमोशन तो हैं लेकिन जितनी पुरानी गाड़ी होगी जितना इंजन ख़राब होगा उसका पुराना होगा उतनी ज़्यादा उसकी जो पोल्यूटेंट्स हैं अच्छा मैम सॉरी मैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ इसलिए आप, आपको पता है कि यूरोप ने यू ने कैनेडा ने शायद जापान ने भी आ, कोरिया और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 2030 के बाद वहाँ पर पेट्रोल कार्स नहीं होंगी वो सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड कार्स पे जा रहे हैं उसमें फिर जो सोलर से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उन पर भी काम हो रहा है जो अभी आ, टेस्ला का नया ट्रक आया है दैट्स बैटरी ऑपरेटेड बट चार्ज बाय सोलर सो दुनिया में तो इस पर बहुत सारा काम शुरू हो चुका है आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जो पहली गाड़ी इन्वेंट हुई थी वो हाइड्रो कार थी do, हा, हा, से चलती I know, I yes? तो अगर इस वक्त कोई हाइड्रो कार बनती है तो कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि जो इनोवेशन थी वो हाइड्रोकार के साथ थी स्टीम इंजन चलते थे हाँ पॉसिबल है यस तो ये चीज़ें अच्छा ये तो एक इशूज़ की हम बात कर रहे हैं कि जो आज हम बताना चाहते हैं कि जो आपकी गाड़ी है उसके भी कार्बन फ्रिट फुटप्रिंट हैं और जितनी पुरानी और जितना इंजन जो है वो वर्दी नहीं होगा क्लीन नहीं होगा तो आपको आप उसमें कंट्रीब्यूशन में बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली पाकिस्तान में वो नंबर ऑफ़ कार्स नहीं है जो दुनिया में है जो नेबरिंग कंट्री एक चीज़ जो दुनिया ने हमसे बेहतर की है उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा किया एक तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं सोलर कार्स की हाइड्रो कार्स की बात हो रही है लेकिन उससे पहले जो हम आसानी से कर सकते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन आ रही हैं ये लेकिन उससे पहले जो हमें करना चाहिए जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो यह है कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए आप अगर शहरों में चले जाएं, लंदन चले जाएं, एमस्टरडेम चले जाएं, ये जितने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उन्होंने वो इतने कंजेस्टेड होते हैं कि लोग प्रेफर करते हैं पूल कार्स के साथ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ जी अगर उनको कहीं दूर शहर जाना है तो वो बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन पे अपनी वो गाड़ी खड़ी करते हैं और वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके वो शहरों में जाते हैं बड़े जो हब हैं उनके हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अगर आपने भी बाहर ट्रैवल किया मैंने भी किया है तो हमने एक जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है वो ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो ऑबली मजबूरी है अगर आप देखें मोटरसाइकिलों पे पूरी एक गाड़ी के लोग बैठे होते हैं जिसका सेफ्टी पे हम जब बात करेंगे तो हेलमेट जो है वो एक हेलमेट से तो आप पूरे लोगों की फैमिली की सेफ्टी नहीं हो सकती ना अरे एक, -एक साहब ने हेलमेट पहन भी लिया है तो आगे एक छोटा बच्चा बैठा है पीछे एक इन्फेंट गोद में है एक बीच में फंसा हुआ है पाँच छः लोग एक मोटरसाइकिल पर होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है उसकी बेसिक हम अपनी आसानी देखते हैं ना मैं अभी इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहा हूँ मसला ये है हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक कार ले ली है पाकिस्तान में तो उनका जितना पेट्रोल का खर्चा था उससे ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है हमारे यहाँ बिजली भी बहुत महंगी है ना देखिए जिन और... में बिजली सस्ती है उनके तो मज़े हैं अब हम इस चक्कर में फंस गए हैं कि यार पेट्रोल नहीं जा रहा भाई तो ये पता है मैं नब्बे हज़ार का पेट्रोल डलवाता था महीने का तो बिजली का बिल कितना आ रहा है सिर्फ गाड़ी की वजह से तीन लाख रुपए घर का डाल के जो पहले डेढ़ लाख रुपए आ रहा था देखिए एक चीज़ जो हमें समझना चाहिए जो हम इस प्रोग्राम से बात कर रहे हैं एक तो ऑबली जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे कि वो कन्वीनियंट हो तो लोगों के लिए किसी हद तक प्रेशर कम हो जाएगा ट्रांसपोर्ट भी ठीक हो जाएगी फिर दूसरी सबसे ज्यादा मैं ट्रैवल अपने बाहर भी किया होगा वहाँ पे जो पीक टाइम्स होते हैं उनके जोन्स बना देते हैं उस वक्त उन जोन से वो गाड़ियाँ नहीं गुजरती और जोन में गाड़ी आती है तो हंड्रेड पाउंड है उसके जो मुल्क है उसके हर मुल्क के हिसाब से उसके टिकट्स बनते हैं आपको पासिस मिलते हैं तो हमारे यहाँ जो रिपीटेडली हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर करना चाहिए जो आपके पी कार्ड्स हैं वैसे तो कराची में हर वक्त ही पी कार्ड्स रहते हैं लेकिन जो पी कार्ड्स हैं जिसमें ऑफिस और स्कूल ऑफ होते हैं या उनके टाइमिंग्स हैं उसे कोई जोनिंग होनी चाहिए और उसके कोई टिकटिंग होना चाहिए एक जो हालात हैं मैं तो उससे आपसे सच बताऊँ को हमारे दोतरे पोतरे भी बैठ के यही बातें कर रहे होंगे कि हमारे ख्याल से पाकिस्तान में ना मैनेजमेंट का सिस्टम सही होना चाहिए जो हमारे हालात हैं आवाम के भी और देखें मसला हम हुकूमत को ना बड़े बड़े हम कसूरवार ठहराते हैं मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ ये अल्लाह ताला ने बता दिया है हमें कि जैसी कौमें होंगी वैसे ही सियासतदान आप पे मुसलत किए जाएंगे हुक्मरान ये लिखा हुआ है नियतों का तो है का ये ये लिखा हुआ है बिल्कुल सही सो बहस करने की उनको किसी को बुरा भला कहने की कोई ज़रूरत नहीं है हम अकाउंटेबल अपने आप के नहीं हैं हम दूसरों को क्या बुरा भला कह सकते हैं मैम देखिए हम इस प्रोग्राम से जो चीज चाहते हैं जो हम मुस्तकिल प्रीच कर रहे हैं और इस रमजानों के रेफरेंस से हम कि कोई सेंसिटिविटी हम हम बढ़ा दें क्या हम थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ अपनी गाड़ियों की कोई सर्टिफिकेशन बेहतर हो उनको चलाने का कौन करेगा चाहिए? हम चेक एंड बैलेंस कौन है? करेगा देखिए चेक एंड बैलेंस भी हम ही करेंगे ना जो पुलिस वाले हैं वो भी तो हम ही है ना पानी हम सड़कों पर फेंक रहे हैं बच्चों को बिठा के सिग्नल तोड़ रहे हैं तो बच्चों को बिठा के कचरा बाहर फेंक रहे हैं सारा कुछ तो हम ही कर रहे हैं तो कौन तो चेक एंड बैलेंस करे? खुद से चेक एंड बैलेंस नहीं होता जब तक डंडा मजबूत नहीं होता देखिए दो चीजें होती हैं ठीक करने की या तो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बंदे में खुद हो या डंडा हो डंडा ही डंडा ही तो हो डंडा मेरे ख्याल आपके खाले बन गए दिखाए जरा कह रही हूँ सिर्फ वाह 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 बस खाओ पीओ ऐसी करो यार छोड़ो ये ऐसी डॉक्टर साहब बेकार बातें करती हैं कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को सही करने की बेड़ा गर्क करो सड़कों पे कचरा फेंको सड़कें तोड़ो जहाँ दिल करता है गाड़ी ले के फिरो मैं हॉर्न बजाओ सेलेंसर निकाल दो बीच में से गंदे इंजन के साथ गाड़ी चलाओ बेड़ा गरक करो ये हमने अपने बच्चों को देना है ये आपकी ख्वाहिश है तो यही करो अब मना थोड़ी कर रहे हैं ठीक है ना मैम नहीं मेरा ख्याल है कि मैं इतनी ना उम्मीद नहीं हूँ और मेरे अगले प्रोग्राम में हम कुछ तीन आप लगा एजेंगे अगले, अगले दस साल के बाद भी यही हालात होंगे अगर आ, मैं जिंदा रहा तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जरूर करिएगा लेकिन मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ और लोगों में कुछ शौर मेरे ख्याल आना चाहिए और कुछ आ भी रहे एक और बड़ा इंटरेस्टिंगली हम बात सिर्फ एक चीज़ का आ रहा है कि दूसरों को ताने कैसे मारने नहीं एक और शऊर जो मैं समझती हूँ जिसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हर चीज़ का एक बिजनेस बेस्ड सोलूशन बना रहे हैं जिसमें पैसे कमाने लगे तो शायद हमारे जैसे वेस्ट के लिए मैं कहती हूँ सोलूशन बनाए रिसाइकलिंग करें यूथ को इन्वॉल्व करें जब वो पैसे बनाने लगेंगे तो मिटिगेशन हो जाएंगे चीजें ठीक हो जाएंगी सिमिलरली जो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यूथ के हवाले से हम कल बात करेंगे मेरा ब्रेक आ गया बच्चे तड़प रहे हैं आने के लिए बिल्कुल <laughs> ठीक है सो थैंक यू सो मच आपका भी आप कल हम बात करेंगे वाटर डे है कल ट्वेंटी मार्च को वाटर डे है वाटर डे तो हम कल वाटर पानी वाटरेंगे और आप अपना कोई मैसेज अगर देना चाहे कल के लिए तो काइंडली सड़क रुण पे रुण गाड़ी निकाल के दो पाइप लगा के क्या जरूरत है पानी बचाने की <laughs> बच्चों को थोड़ी देकर जाना है कुछ अपनी इंजॉयमेंट करो <laughs> नहीं, नहीं आप सुना रहे हो ना कुछ सुनाओ सुना <laughs> Oh. अच्छा वेकला। अच्छा।, वेकला। अच्छा आपने काम करना है मेरा आप इधर आओ मेरे पास इधर आओ माइक लेके जाओगे सबके पास और मुझे सबका नाम पूछ के बताओगे ठीक है ठीक है वहां से वहां से बहन के पास जाओ बहन हाँ। क्या नाम है पूछो बताए नाम बताएं अपना माइक में बताएं माइक आगे करें उनके पास उसामा माइक आगे करे नाम है ना हैं हसीना माइक पकड़ के बताएं अच्छा शर्मा जाते हैं हाँ, हाँ।, हाँ। और इनसे ए, आप माइक तो आगे करो ना यार आप माइक ऐसे ऐसे देखा नहीं है एंकर्स कैसे बात करते हैं बम फटने के बाद पूछ रहे होते हैं और बताएं बम फटा कैसा लगा ऐसे पूछो हाँ पूछो नाम क्या है आपका हाँ नाम बताओ भाई क्या नाम है आपका हैं? अयान अली क्या बात है अच्छा आप उधर जाए भाई के पास देखें कितनी प्यारे उन्होंने कपड़े पहने में थिर, थिर को, क्या नाम है आपका माइक आगे करे देखते ये भाई को दे माइक उसामा इनको माइक दे इनको माइक दे माइक दे दो माइक दे दो अच्छा। आ, आप आपका क्या नाम है अच्छा और आपका इनका हाँ अबिया और आपका हुसैन माशाल्लाह माशा आ जाओ भैया यहाँ बैठ जाओ आज इधर आ जाओ ये शरारती है थोड़ा ये है? आ, बड़ी, बड़ी शरारतें कर रहे हो तुम अच्छा तो आप में से आज कोई कुछ सुना रहा है हमें तो है आ, सुना देना तो ये, ये देखो ना कैसे टोपी पहन के कितनी प्यारी तैयार होके आई है ना बस यार दुआ सुनानी है कोई दुआ सुनानी है आपने है जाओ माइक लेके जाओ बहन के पास उसको हाँ जाओ वहीं रहना और वहीं रहो वहीं रहो माइक माइक लेके आना जाओ हाँ चलो दुआ सुनाओ भी. हाँ ना हाँ। शर्माए जा रही है बस हाँ 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 सुनाए हाँ फसिया योर नेम इज फसिया आप दुआ सुनाएंगी ना कोई हमें हां हमें चल हां हमें चल हां सुनाए सुनाए एक मिनट कौन सी सारी आप इस सारी आपली ये तब इस सारी कोरी आप ही हां ये वही वाली थी ना जो आप सुना रही हैं हसबे रब्बी हाँ लाओ इधर इधर देखो बहन सुनाएंगी आप हाँ खराब हो जाएगा वो साथ में बटावा करा नो <laughs> समझा भी रहे हैं एक दूसरे को वो? हाँ माइक पकड़ो बेटा हाँ ये ये बेटा ओ हाँ आवाज आ रही है ना नया अली आप कुछ सुना रहे है? क्या सुना रहे हैं ला है नाच सुना रहे हैं माशाल्लाह सुनाइए लाला माशाला माशाला आपकी नकल उतार रहे हैं कह रहे मेरी नकल उतार रहे हैं हैं आपकी भी उतारी है हाँ वेरी गुड आप आज कोई सवाल नहीं पूछ रही हैं आज मेरी मम्मा ने ना बोला था कि तुम चुप रहना तो तो मैं बोलूंगी तुम इतना सुनती हो मामा की तो मेरी मम तो मेरी मम्मा ने बोला था कम बोलना तो <laughs> <कम गदन, laughs> <गाँड़ी> <laughs> अब मैं बोलूंगी कम 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 वर्न कम 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 आप आप सुनाओ सुनानी थी आपने तेरे सत के में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पड़ा ला, ला।

आज आपको सवाल नहीं पूछ रही एक घर है वो बहुत बड़ा है ठीक है? है और एक और घर हाँ। है वो और और उसके, उसके बराबर में वो भी बहुत बड़ा है हाँ। तो अगर हमने उन तीनों को मिला दिया तो उसके उसके कितने फ्लोर बनेंगे एक घर है जो बहुत बड़ा है उसके साथ दूसरा घर है जो उससे भी बड़ा है जो तीसरा घर है वो उससे भी बड़ा है तीनों को मिला दिया तो कितने फ्लोर बनेंगे थर्टी फिर पहले वाले आपको तो सवाल पते थे लेकिन अब ये वाला सवाल नहीं पता पता इतने तो, ये हाई आई -क्यू के सवाल आते हैं ना ये हमने सुना ही नहीं है तो अब मैं आपको वो सवाल बताती हूँ कि उसके कितने फ्लोर फु, हैं है। हाँ डबल नहीं पिंकी अनलिमिटेड डबल अनलिमिटेड आपको पता हाँ? है और साथ में हाँ? कितना होता है? नहीं पता यार लेकिन ब्रेक आ गया यहाँ पे ये मेरे सारे बच्चे कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो दे आर बॉर्न विद डाउन सिंड्रोम और बहुत अच्छे तरीके से इनका ख्याल किया जा रहा है कॉन्फिडेंस आप देख सकते माशा आहिस्ता डेवलप होता है आपने नाम नहीं बताया अपना है? नहीं बताया हाँ? मूड नहीं है बताने का इनका लेकिन चले जी मेट्रो के गिफ्ट हेम्पल बच्चों के साथ जाएंगे और किसके फैसले में देख के बोलो हाय हाँ। क्या हाल है सबका को, हम जा रहे हैं ब्रेक पे बोलो हम ब्रेक पे जा रहे हैं फिर आते हैं हाँ चले आप भी बोलें कौ हम ब्रेक पे जा रहे अरे बताया तो था मेरी जान कल बिरयानी पसंद है सोना सोना नहीं मैं बोलू छोटा सा ब्रेक ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं अल्लाम जी आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ ज़ैर ज़बर के साथ और पार्टिसपेंट यहाँ पे मौजूद हैं हमारे जज साहिबान भी मौजूद हैं पार्टिसपेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं उनका इंट्रोडक्शन दूँ कि आप बज़र दबाएंगे पहला बजर राउंड होता है बज़र दबाएंगे इंतजार करेंगे हमारे जजेस बताएँगे किसने बज़र दबाई है और उसके बाद फिर हम जो है आपसे जवाब हासिल करेंगे हमजा जैन है कराची यूनिवर्सिटी से आपको खुश आहदेद कहते हैं अक्सर अब्दुलस्तार हैं ख़ातून पाकिस्तान से और मोहम्मद समीर हैं शुमाइला पब्लिक स्कूल से आप तीनों को हम खुश आमदेद कहते हैं हमजा आप टीम ए हैं अक्सा आप टीम बी हैं और समीर आप जो हैं वो टीम सी हैं पहले बज़र राउंड है ठीक है बज़र बजा के सवाल सुन के बज़र दबाइएगा अगर आपने बीच में बज़र दबा दिया तो मैं सवाल रोक दूंगा। ठीक है जी तैयार हैं आप लोग शुरू करें बसमल रक्मान रहीम हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तन किस कब्रिस्तान में दफन है सी, सी� जन्नत बिल्कुल सही जवाब मक्का मुकरमा जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल हजरत खतीजा के कितने निका हो दो बिल्कुल सही अच्छा अब हम आपको सुनाएंगे ऑडियो आपने ऑडियो सुनना है बताना है कि कौन है या क्या कह रहे हैं ठीक है गौर से सुनिएगा ऑडियो वो मैचों से पहले हम नंबर वन थे और वही लड़के थे जो वो, जो परफॉर्मेंस करते आए थे वही कंसिस्टेंट प्लेयर खेल रहे थे वही परफॉर्मेंस कर रहे आए थे उन्हीं लड़कों की वजह से हम नंबर सी बाबर आजम बाबर आजम वीडियो दिखाइए वो मैचों से पहले हम नंबर वन थे और वही लड़के थे जो वो, जो परफॉर्मेंस करते आए थे वही कंसिस्टेंट प्लेयर खेल रहे थे आ... जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मौके पे की गई थी जी वर्ल्ड कप के हवाले से बिल्कुल सही जवाब आ... इस वीडियो में टीम नंबर वन होने की बात हो रही थी बिल्कुल आ, तो किस फॉर्मेट में नंबर वन होने की बात हो रही थी जी ओडीआई ओडीआई वर्ल्ड के फॉर्मेट डे इंटरनेशनल बिल्कुल सही बिल्कुल सही जिस वर्ल्ड कप की बात हो रही थी वो कहाँ खेला गया जी इंडिया में बिल्कुल सही जवाब बता सकते हैं कि वर्ल्ड कप किसने जीता था जी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था बिल्कुल सही जवाब बाबर आजम की वन डे सेंचुरीज बताइए 18, उन्नीस बीस जी उन्नीस बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब आगे बढ़ते हैं सवालात की तरफ हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताल के साथ हजूरम सल वसलम का निकाह किसने पढ़ाया ए ए। हज़रत अबू तालिब ने बिल्कुल सही जवाब मक् मुकरमा में हज़रत खतीजा रजी अल्लाह को किस लकब से याद किया ताहिरा किसने बजाया था? ए ए, ए. ताहिरा के से से बिल्कुल सही जवाब। अकरम निकाह के वक्त हज़रत खतीजा रजी अल्लाह की उम्र सी, सी। जी ऑडियो की तरफ बढ़ेंगे ऑडियो प्लेटफॉर्म होपिंग

जी वाशिंगटन में मुल्क अमेरिका सही है मुल्क अमेरिका के वाशिंगटन वाशिंगटन तो है तो मुल्क नहीं है लेकिन आप मुल्क बता दें मुल्क अमेरिका हुआ ना नहीं सही है सही है, सही है, है। मलला यूसुफ जई को नोबल प्राइज किस शोबे में मिला सी कौन है सी सीम बिल्कुल सही एक और पाकिस्तानी शख्सियत को नोबल प्राइज मिला था ए जी डॉक्टर अब्दुल सलाम को बिल्कुल सही किस शोबे में मिला था कौन है सी फिजिक्स के बिल्कुल सही जी आगे बढ़ेंगे सवाल जी हजरत खतीजा रजी अल्लाह तहा का इंतकाल कब हुआ कब हुआ जी दस रमजान दस बिल्कुं सही. बिल्कुं सही. विशाल के वक्त हजरत खतीजा रजी अल्लाह तौसठ साल अरे यार माशाल्लाह, क्या बात है अगली आवाज़ सुनाइए बोलने के लिए इसी भी जरूरी है कि हम सब उन जगहों से मुंतखब होकर आए जहां के लोगों ने हमें अपना दर्द सुनाने के लिए डॉक्टर आमिर लिया बिल्कुल सही जवाब वीडियो दिखाइए हम सब के लिए बोलने के लिए इसी भी जरूरी है कि हम सब उन जगहों से मुंतखब होकर आए जहां के लोगों ने हमें अपना दर्द सुनाने के लिए भेजा तो कभी कभी यकीन ही नहीं आता खैर आगे बढ़ते हैं आ, ये तकरीर आमिर लियाकत कहाँ कर रहे थे जी असम्बली में कर रहे थे नेशनल नेशनल असम्बली में आमिर लियाकत कितनी मरतबा कौमी असम्बली के रुकन रहे एक मरतबा दो मरतबा जी दो दो मरतबा बिल्कुल सही इस वीडियो में आमिर लियाकत किससे बोलने की इजाजत मांग रहे हैं सारे मेंबर्स उसी से मांगते हैं हम्म इतना आसान करोगे लेकिन उसके बाद भी ये सोच रहे किन से बोलने की इजाजत मांग रहे थे हमें लाकर जी समली के स्पीकर से बिल्कुल सही जवाब पहली मर्तबा किस पार्टी की तरफ से एमएनए बने थे आसान है यार आसपास देखना होगा हाँ बहुत अरसा रहा जी मुस्लिम लीग का नहीं एम क्यू एम आप आ, उस वक्त किस वजारत पे रहे थे जी रिलीजियस uh, मिनिस्टर uh, थे वफाकी मजहबी अमूर बिल्कुल सही जवाब अब आगे बढ़ेंगे अब हम आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं गेस द पिक्चर जी पहले पिक्चर्स दिखा रहे हैं तो आपके लिए पहले हैं फिर आपके लिए हैं फिर आपके लिए, हैं, फिर आपके लिए हैं, तो वन बाय वन है तीन पिक्चर्स है जी पहली पिक्चर टीम ए के लिए किस का पार्टी का सिंबल है ये का बिल्कुल सही जवाब अगली तस्वीर हाशिम मामला बिल्कुल सही जवाब क्रिकेट से काफी लगाव है मेरे भाई को uh, कामरान 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 <स्थारी> तो <नहींह> खान साहब बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही है कामरान सॉरी तो नहीं कहा डॉक्टर कामरान सॉरी नहीं कहा हाँ हाँ जी बी कामरान खान साहब जी अब टीम बी के लिए ये किस पार्टी का सिंबल है हल सिर्फ हैं इतना बड़ा क्यों दिया है मैंने गैर सियासी बच्ची हैं ये हाँ आ, तो आ। ये तो इनकी ये जो लाइन है तो इतनी हिट हुई थी कि हर बंदा यही बोलता था जमात इस्लामी आगे दिखाए ये वही है टीवी पे नहीं आते बहुत गुस्सा करते हैं ये हैं? अरे नहीं मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता यार जी हामिद मीर साहब जी अगली तस्वीर ये बहुत भागते हैं भाई। ये पहले भावलपुर में रहते थे और भागते भागते साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका, अफ्रीका चले गए इनकी बहुत वीडियोस की मीम्स भी बनी थी कि पूरी दुनिया में भागे जा रहे हैं आउट करके बहुत भागते हैं बड़े जबरदस्त लेग स्पिनर हैं कोई और हैंड पे हैं कोई और हैंड हैं इनके भाई का नाम सलमान ताहिर है वो भी एक हाँ, क्रिकेटर हैं वो भी क्रिकेटर हैं हैं कोई को, को, पड़ोसी भी बता दे इनका <laughs> जी आगे बढ़ते हैं अब आपकी बारी है जी पहली तस्वीर दिखाइए एम क्यू एम बिल्कुल सही जवाब एम क्यू एम मुइन अली बिल्कुल सही जवाब क्या बात है कयामत का मंजर हमने यहाँ इसी फ्लोर पे काफी शोज किए हैं साथ में डॉक्टर हैं डॉक्टर हैं डॉक्टर क्या फिर मैं ये वाले क्वेश्चंस ना करूँ अच्छा चलें जी आगे बढ़ेंगे टीम सी पहले मैं आज आपसे शुरू कर रहा हूँ बजर राउंड है सॉरी रैपिड फायर है जल्दी जल्दी जवाब देने सवाल नहीं समझ आ रहा पास कर देना

कब आया दो बिल्कुल सही जवाब इसकंदरिया किस इस्लामी मुल्क की बिल्कुल सही जवाब भैया ये आज लग रहा रिकॉर्ड टूटेगा। मुझे भी यही लग रहा है मुझे भी लग रहा दोनों बहुत तेज हैं भाई रेडी हैं आप जी दिल के मुताले को क्या कहा कहते हैं हार्ट दिल के मुताले दिल के मुताले को क्या कहते हैं हार्ट दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कौन सा है बहुत वायरल है आजकल बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे पास कुरान पाक में किस कौम का जिक्र सबसे ज्यादा आया बिल्कुल सही कौन बोला मशहूर नॉवल पीर कामिल किसकी तस्नीफ है अलमा इकबाल अहमद श्रीलंका दारुल दारकूमत का नाम बताएं पास कोलंबो दमाम किस मुल्क की बंदरगाह है पास सऊदी अरब पचासवीं सालगिरह के, के लिए अंग्रेजी में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर सॉरी सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली पी आई ए का हेड क्वार्टर पाकिस्तान के किस शहर में वाक है कराची बिल्कुल सही नेपाल की करेंसी का नाम बताए रुपया आई सी यू का इंसेंटिव केयर आखिरी सवाल पूछ रहा हूं पाकिस्तान के मौजूदा सदर का नाम बताए आसिफ अली आपका शुक्रिया आपने जवाब दे दिया <laughs> याद आया है ये mm -hmm. जी आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ मुकाबला तकरीबन सख्त है आप दोनों का आगे पीछे चल रहे हो दोनों जी रेडी हैं आप जी कुरान पाक में किस नबी का जिक्र सबसे ज्यादा है हज़रत मूसा बिल्कुल सही नेपाल के हुकूमत का नाम बताएं बताएंडू जिला स्वाबी पाकिस्तान के किस सूबे में है आ, पंजाब खैर पख्तूम खा एस ओ पी के सही आयतुल कुर्सी कुरान की किस सूरह में है आयतुल कुर्सी कुरान की सूर्य बकरा के अंदर बिल्कुल सही हज किस सन हिजरी में फर्ज हिजरी बिल्कुल सही चाबहार किस मुल्क की बंदरगाह है आ, पास ईरान हुना झील पाकिस्तान के किस शहर में वाकया है बेटा बिल्कुल सही जवाब पौधों के मुताले को क्या कहते हैं पास बॉटनी पाकिस्तान का सबसे लंबा जानवर कौन सा है दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है ब्लू वेल दुनिया का जानवर जराफा पाकिस्तान रेलवे का हेडक्वार्टर किस शहर में वाक्य है पास लाहौर अबुल बशर किस पैगंबर का लकब साहब आदम आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ 25वीं सालगिरह के लिए अंग्रेजी में कौन सा सिल्वर जुबली, बिल्कुल सही जवाब रिजल्ट जानेंगे ब्रेक के बाद देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम हम कहीं नहीं जा रहे वापस आ रहे सल्ली वा सल्ली जी हाँ वेलकम बैक आफ्टर तो ब्रेक बड़ा ही कांटेदार मुकाबला रहा है आज जेर जबर में Uh, हमजा जैन और मोहम्मद समीर के दरमियान क्योंकि अक्सा हमारी बहन जो है वो आज थोड़ा सोई नहीं हो मुझे लग रहा है तुम आज है ना हो जाता है कभी कभी खैर है इट्स ओके बट हमज़ा और समीर में एक बड़ा कांटेदार मुकाबला है अब देखना यह है कि रिज़ल्ट क्या आता है क्योंकि मेरे कान तक ये आवाज़ पहुंची है कि सिर्फ दस नंबर का फ़र्क है सो so, रिकन्सिडर किया जाता है कर सकते हैं ओ माई गॉड भाई ये तो रिकॉर्ड का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया आज सो so, हमज़ा है 220 पे अक्सा है 40 पे और टीम सी यानी कि हमारे मोहम्मद समीर हैं 230 पे आपने रैपिड फायर बहुत अच्छा खेला है आपने बजर राउंड बहुत अच्छा खेला था और बज़र राउंड में सिर्फ एक जवाब गलत हुआ जिसकी वजह से ये 220 हुए हैं वरना आप दोनों 230 पे होते और हम आप दोनों को साथ ले जाते बट हार्डल कोइस की तरफ से ये गिफ्ट हेम्पर दोस्त आपके साथ जाएगा ये गिफ्ट हेम्पर आपके साथ जाएगा कोइस का पकड़ लें ये खालिद सोइट्स का गिफ्ट हेम्पर है यह आपके साथ जाएगा ये खालिद स्विट्स का गिफ्ट हेम्पर है ये आपके साथ जाएगा ओ सी डेवलपर्स की तरफ से ये गिफ्ट हेम्पर मेरे दोस्त आपके साथ है और सिर्फ यही नहीं हमारा जो वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क है उसकी तरफ से पूरे साल की एक लाख रुपए की मेंबरशिप है जो आपको मिल रही है छलांग मारो आगे आ जाओ और जजेस ये हवाले कर दो आयशा ये आगे प्लीज़ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत मुबारक आपको वेरी क्लोज़ वेरी क्लोज़ कॉल और हमजा आप जो है वो वाइल्ड कार्ड के लिए पूरी तरह से क्या कहते हैं वो करते हैं एप्लीकेबल है सो so, क्योंकि जो हमारे इस वक्त तक के नंबर वन थे वो 190 पे थे सो so, आप 220 पे हैं तो इसलिए आपके पास ये मौका है कि आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जा सकती है कॉन्ग्रेचुलेशन हम आगे बढ़ेंगे अपनी तकारीरी मुकाबले की तरफ बेटा अपनी चीज़ें ले जाएं साथ में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया <clears throat> आज का जो तकारीरी मुकाबला है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है और आज के तकारीरी मुकाबले में हमारे साथ कंजा फातमा है रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल औरंगी से हमारे साथ हाशिर ख़ान है लम्स जाम शोरों से रिदा ताशफीन है गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स कॉलेज बल्दिया से और आज का जो मौजू है वो है औरत ने हर दौर में कौमों को सवारा है सवारा है मैंने अपनी तरफ से लगाया है जी तो किन्जा फातिमा को बुलाएंगे रोज हाउस ग्रामर स्कूल की जानब से कि वो तशरीफ लाए मैं जो दोस्त हैं अपना क्या कहते हैं कैमरों के पीछे उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ यहाँ पे ज़रा हिलना जुलना बंद कर दें और बाहर चले जाएं बहुत बहुत शुक्रिया डिस्ट्रैक्शन होती है ढाई मिनट का वक्त है आपके पास ठीक है पहली घंटी बजेगी दो मिनट पे और उसके अगले तीस सेकंड में आपने समअप करना होगा ठीक है अगर आप टाइम से ऊपर जाएंगी ख़ाम ख़ँह जलाद किस्म के हमारे जजेज़ हैं नंबर काट लेते हैं फ़ौर जी बसमिल्ला हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं हमसे ख़ुद है जमाना जमाने से हम नहीं जनाब सदर शेब अबी तालिब के मौके पर जब आप सल्ला हो वाले वाले का दीगर साहब कराम के साथ मुहसरा कर लिया गया तो ऐसे में आप वसल्लम का साथ देने वाली उन्हें हौसला देने वाली उम्मत की माँ हजरत कदीजतुल्कब्रा रजील तीं जिनका आज क्यों में है आप ना सिर्फ़ इस्लाम कबूल करने वाली पहली हस्ती बल्कि आपने हर तरह से आप वसल्लम का साथ दिया फिर चाहे वो हो, सोर की पहाड़ी हो या हजरत हो चाहे एलान नबूत हो या पहली वही गहना हो अरगज़ ये कि आपने हर तरह से आप वसल्लम का साथ दिया और तरक्की इस्लाम में अपना किरदार अदा किया जब मैं तहरीक खिलाफत की बात करती हूँ तो आबादी बानो बेगम अलमारूफ भी अम्मा से कौन वाकिफ़ नहीं जब आपके दोनों बेटों मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अंग्रेज़ों की मुखालफत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया तो उस वक्त आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम जहाँ बुलंद किया जब मैं औरतों का किरदार कश्मीर में देखती हूँ तो दुखरान मिलत की रूहें रवा आसिया इंतराबी कश्मीरों की आज़ादी की तहरीक में हिंदुस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ पेश पेश होती हुई नज़र आती हैं जब मैं औरतों का किरदार सियासी सतह पर देखती हूँ तो मुझे बेनज़ीर भुट्टो नज़र आती हैं जिन्होंने जिन्होंने बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और ना सिर्फ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बल्कि आप इस्लामी ममालिक पहली खातुन वजी अजम बनी अली वक्ार औरतों ने हर दौर में कौमों को संवारा है औरतों ने हर दौर में कौमों की तरक्की में अपनी जद्दोजहद <coughs> में अपना किरदार अदा किया है अलीवार हमारे वतन अजीज़ में भी ऐसे बहुत से नगीने मौजूद हैं लेकिन आज वक्त की कमी के बाईस मिनमें से चंद नगीनों का तस्करा करना चाहूँगी आईटी के मैदान में अपनी शनाख्त छोड़ जाने वाली अल्फा करीम रंधावा ऑस्कर अवार्ड पाने वाली ऑस्कर अवार्ड पाने वाली शर्मी नबैद चनाई ब्रेन ऑफ द एयर का अवार्ड हासिल करने वाली सानिया आलम तालीम का के तालीम की तरक्की में अपना किरदार अदा करने वाली फ़ातिमा फैरी और मलाना यूसुफई जैसे नाम हमारे मेरी आंखों में आ जाते हैं जब मैं औरतों की किरदार की बात करती हूँ औरतों ने हर दौर में कौमों को संवारा है यही कॉमों की बुनियाद है और यही कौमों का मै ना मैमार है हम माएँ हम बहनें हम बेटियाँ कौमों की इज्जत से है आपकी समातन का शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लगता है कुमार सानू के गाने ज़्यादा सुनती हैं पूछें क्यों हे hey, सॉरी hey. uh, हाशिर खान है जी लम्स जाम शोरों से तैयार हैं आप जी इंसानी मुजस्मे में जब एन से अजमत वाव से वफा रे से रौनक और ते से तवक्कुल घोला जाए तो औरत का जन्म होता है सदरेली वकार कि जब छिन गई है रिदा और दरबार शाम सजा है हुसैन से अब्बास तक कोई बाकी न रहा रहा है तब एक औरत कदम कदम पे चराग ऐसे जला गई है अली की बेटी यजीदियत की हर एक साजिश पे छा गई है अली की बेटी कि बीबी जैनब अकेले एक जानब काफिले को संभालती है तो दूसरी जानब शाह शाम को खुतबों की जुल्फिकार मारती है कि जिन खुतबों का एक एक लफ्ज ताकयामत औरत को हकीर जानने वालों को बतला गया कि औरत कभी मरियम कभी हवा कभी जहरा औरत ने हर एक दौर में कॉमो को के जनाबे वाला बरतानिया की मईत संभालती मार्गरेट तैचर हो या पाकिस्तान में कोर्स से लड़ती अकेली डॉक्टर रुस्फाओ फ्रांस में कैंसर का इलाज ढूंढती मैरी क्यूरी हो या व्हील चेयर पर इंकलाब बर्पा करती मुनीबा मजारी औरत हर दौर में नस्ल इंसानी की बका की जामिन ठहरी है सदरेली वकार कि जब खुदा की रहमत से ये औरत परवीन रहमान बनी खुदा के करम से ये औरत आरफा करीम बनी ये औरत खला में पहुंची पहली पाकिस्तानी निमरत सलीम बनी ये औरत बीवी के रूप में उम्मा की सूरत दीन सिखाती गई ये औरत बहन के रूप में फातमा जना की सूरत कौम के काम आती रही और यही औरत जब माँ का रूप धार कर जब माँ का रूप धार कर सफ़ा और मरवा के दरमियान भागती है तो इन्हीं दौड़ते कदमों के सदके हमें जमजम अता होता है और खुदा इन्हीं माओ के कदमों तले जन्नत उतार देता है कि सदर अली वकार जो तू ना हो तो दरक्षा जो तू ना होती तो यूं दरक्षा ना होती जो 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 तू ना होती तो यूं दरक्षा ना होती वकार। मगर आज इस बात पर मातम नहीं तो फिर क्या किया जाए कि इस औरत की जान और हरमत की कीमत सरे बाजार सिर्फ और सिर्फ लफ्ज हलवा करार पाई है सदर अली जो औरत इस कौम को संवारने में लगी है वही कौम इस औरत वही कौम इस औरत का वजूद करोन और निमरता की सूरत उजाड़ने में लगी है तो वाजे रहे कि अगर औरत का वजूद मिट जाए अगर जन का वजूद मिट जाए तो तस्वीरें कायनात बेरंगो नूर रह जाए कि अली वकार आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया एंड आई एम सॉरी यार, यार जो चहल पहल हो रही थी आई एम सो सॉरी यार यार तकरीर में ना किया करें यार मैं कुछ दस दफा कह चुका ही जा रहे हैं टहले जा रहे हैं सेगमेंट के बाद है अगला सेगमेंट यार चीज़ें ला ला के रख रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं मैं उठा लूँगा वहां से मुझे बता दीजिएगा यार उसकी तकरीर का बेड़ा खराब हो गया यार रिदा ताशफीन, प्लीज़ तशरीफ ले यार इजाज़त है बसमल किसी भी माशरे की और तरक्की में औरत के किरदार और उसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं बल्कि औरत की गोद ही किसी भी माशरे के फ़र्द की पहली दर्जगाह होती है सदर अली वक़ार कुदरत ने जहाँ औरत को बेपनाह सलाहियतों से नवाज़ा वहीं दीन इस्लाम ने उसे शायन शान मकाम अता किया कि अगर औरत माँ है तो उसे बच्चों के लिए जन्नत का दर्जा किया अगर बेटी है तो हिम्मत के रूप में माँ बाप की खिदमत पर मामूर है अगर बहन है तो मोहब्बत की लाजवाल मिसाल है अगर नेक और साले बीवी है तो निसफिमान है कि सदर अली वक़ार एक औरत की गोद से ही कौमें तालीम तरबियत और तमीरों तरक्की इब्तदा करती हैं कि सदर अली वकार औरत कभी हवा कभी मरियम कभी जहरा औरत ने हर एक दौर में कौमों को सवारा सदर अली वक़ार ताकत और हिम्मत की दास्तानें सिर्फ फजाओं को तसखीर करके ही रकम नहीं की जाती बल्कि मर्दों के इस معاشرے में घरों से बाहर निकलकर काम करने वाली औरतें भी बेमिसाल होती हैं कि खेल का मैदान हो तो सनामीर कि सियासत का मैदान हो तो नडर शहीद बेनजीर भुट्टो ने यह साबित कर दिखाया था कि औरत ने हर एक दौर में कोमों को सवारा कि عوام की फलाह व के लिए काम करने वाली बिलकीस इदी हो या फिर मजलूम और बेबस लड़की को नाम नहाद और मजहबी ठेकेदारों से निजात दिलाने वाली शेर मानो हो या फिर अपने शहर के हकूक़ के लिए अपने शहर के लोगों के हकूक के लिए हर मुश्किल हर परेशानी को अपने गले से लगा लेने वाली महरंग बलोच हो या तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करवा करने वाली मलाला यूसुफ जई हो इन सब ने अपने जोशो खरोश जज्बे से यह साबित कर दिया कि औरत ने हर एक दौर में कोमों को सवारा सदर अली वकार औरत ने जंगलाती जंगलातीशरों को बाघ बना दिया रोशनी की राह दिखाकर तारी, तारीकी को मिटा दिया औरत ने अपनी कौमों को इंसाफ और इंसानियत की राह पर चला कर उन्हें रोशन कर दिया उन्हें सवार दिया कि सदर अली वक़ार वो कौम किसी शान की हकदार नहीं है जिस कौम की औरत अभी बेदार नहीं है जिस कौम की औरत अभी बेदार नहीं है शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मैं दरखास्त करना चाहूँगा उसके बाद आप तो इस बात पर एग्री नहीं करते लेकिन अगर यहाँ मेरा दोस्त बैठे होते हैं दोनों तो वो तो जो हशर करते हैं इनका वो मैं आपको बता नहीं सकता ये जो थोड़ा सा मैं जो एक्सेंट का इशू आ रहा है जी। कोमे जी जी दौर और सबसे बढ़ के औरत पे बात हो रही है और वो औरत औरत नहीं है नहीं। वो औरत है तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा मैंने कहा ये बोलना बहुत ज़रूरी है और भी बहुत सारे इस तरह के लफ्ज़ हैं जिनको इसके अंदाज से अदा किया गया जी इब्तदा में हम कंज़ा की अगर बात करें तो कन्जा आपका अंदाजी गुफ्तु जो था ना वो तकरीर की तरह नहीं था आ, अगर आप इसको उस तकरीर के अंदाज़ में करेंगी हाथ ज़्यादा हिल रहे थे जहाँ पर आपको हाथ हिलाना चाहिए वहाँ पर हा, आपका हाथ बंधा हुआ था जहाँ कहीं नहीं ज़रूरत थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप हाथों का इस्तेमाल कर रही थी उसके अलावा अगर हम हाशर की बात करें तो हाशर की तकरीर बहुत अच्छी थी बहुत उमदा थी आ, हो सकता है कि वो नहीं, आपके बिल्कुल पीछे से तो बंदा जी, होते जहां वो बीच में आया उसके फ्रेम में भूल गया ऐसा हो। होता भी है कि बंदे का जहन बढ़ जाता है और वही इनके साथ हुआ लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा निभाया आप भूल गए आपने छोड़ा नहीं आपने मुकम्मल उसको किया ये इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है रेदाताशीन की बहुत लफ्ज़ी ग़लतियाँ हैं जैसे शायान शान होता है शायानों शान नहीं होता लफ्ज़ कोई लफ्ज़ नहीं है इसी तरह से कौमें कौमें होता है दौर दौर औरतें औरतें औरते, नडर कहा आपने नडर लफ्ज़ इस्तेमाल इसी तरह से शेरबानो शहरबानो ठीक है इस तरह के लफ्ज़ जो हैं उन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए आप इस मंच पर आते हैं इस जगह पर आकर भी अगर इस तरह की बड़ी मिस्टेक्स करेंगे स्टेज पे। जी आप सोचें कि जो बच्चे दीगर आ, कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ पर आने के लिए तो हो सकता है कि वो ज़्यादा हकदार हो ना तो इस पर ज़्यादा थोड़ा सा क्योंकि दीगर बच्चे जो हैं वो आप लोगों से ही सीख रहे होते हैं वो देखते हैं आपको कि आप किस तरह से गुफ्तू कर रहे हैं ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपके आगे जाने के लिए रुकावट बन सकती हैं जी सबसे पहले तो आ, हमारे जो मुक्रेन आए हैं आ, आपने तीनों ने बहुत अच्छा निभाया है हम आपसे बहुत खुश हैं और आप तीनों में मुझे एक पब्लिक स्पीकर नज़र आ रहा है आ, किन्जा बेटा देखिए आप चूंकि अभी इस फील्ड में नहीं आई हैं तो आपकी तकरीर में तरन्नुम ज़्यादा है जिसकी भी बात फैसल भाई कर रहे थे ना तरन्नुम या लहक लहक के जब आप जुमला अदा करेंगी ना तो वो फिर डेक्लेशन या तकरीर का अंदाज़ नहीं रहता अलबत्त आज औरतों का दिन है तो हम कहते हैं ना कि खुदा खालिग है तो तख्लीक का ज़रिया औरत है अगर खुदा राज़िक है तो जब इंसान दुनिया में आता है तो उसको पहला रिस्क जो है वो औरत से मिलता है और मैं कहता हूँ ना कि दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, हैं दरस हैं लेकिन इंसान की पहली दर्जगा जो है ना वो औरत की दो जानों है यानी माँ का गोद है तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और आप तमाम तीनों मकर ने जो है बहुत अच्छा निभाया है थैंक यू मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा जो हमारी पहली मकर्र कन्जा फ़ातिमा आई तो एक दो तलफ़ की गलतियाँ तो मैम ने भी बता दी हैं और तलहा भाई ने भी बता दी हैं एक तो कश्मीरों कहा गया कश्मीरियों आप शायद कहना चाह रही थी और साथ साथ मुझे अच्छा लगा कि आपने बी अम्मा की मिसाल दी बेनिर भटो की मिसाल दी अरफा करीम की मिसाल दी शाह की मिसाल दी लेकिन इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मंजर नगारी मुबास्ा और तकरीर इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है यानी कि आपने मंज़र निगारी के अंदर कोई ना कोई वाक़ा कोर्ट करना होता है जो मुझे मिस नज़र आया यानी कि नहीं नज़र आया आपकी इस तकरीर में तो मंज़र निगारी लाजमी है पहली मुकर किन्जा फातमा के लिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाशिर की तो हाशिर तैयारी अच्छी होनी चाहिए और ज़्यादा अगर आप क्वालिफ़ाई अगर करते हैं जजेस का फैसला हम देखते हैं आ तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए इतने ज़्यादा फंबल शायद क्वार्टर फाइनल में अगर आप पहुँचें तो आ, आप इतने फंबल हम नहीं होने चाहिए हमारी गुजारिश आपसे ये होगी और साथ साथ आपने भी अच्छी मिसालें दी मुनीबा मजारी की और साथ साथ अच्छा एक और चीज़ मैंने यहाँ पर कोट की थी कि जब भी आप फैक्ट्स दें तो आप जो पहले की मिसालें हैं वो पहले कोट करें और बाद में आप प्रेजेंट सिचुएशन पर आएँ लेकिन आपके आपकी तकरीर के अंदर भी मुझे जो जमज़म वाली मिसाल बाद में नज़र आई और पहले आपने मुनीबा मजारी की मिसाल दी और इस तरह की तो सीक्वेंस को हमेशा मद्देनज़र नज़र रखें आखिरी जो हमारी मकर्र रिदा तश तश्वी, उनका भी मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने सना मीर की मिसाल दी बल्कि सैदी साहिबा की मिसाल दी शहरबानो जो एस पी हैं हमारी प्रेजेंट सिचुएशन की बात है वो भी उन्होंने वो मिसाल दी मारंग बलोच की मिसाल दी मलाला यूसुफ जई की मिसाल दी तो मिसालें इनके पास अच्छी हैं लेकिन फिर भी आपकी तकरीर के अंदर भी मुझे मंजर निगारी उस तरह से नज़र नहीं आई जिस तरह होनी चाहिए क्योंकि ये डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है स्पीच कॉन्टेस्ट नहीं है या मुबैसा नहीं है आपने यहाँ पर मंजर निगारी लाजमी करनी है हाशिर क्योंकि भूल भी गए थे लेकिन क्योंकि उनकी तकरीर में मंजर निगारी थी तो कॉन्टेंट की मार्क्स शायद हम जजेस के पास उनकी ज़्यादा हों तो तला से गुजारिश है कि वह रिजल्ट जरूर अच्छा इसमें बस आखिरी बात है आपको रिजल्ट बता दूँ कि अगर मुकर्रर भूल भी जाता है फम्बल आता है तो कॉन्टेंट की वजह से ना तीन तीन फम्बल से भी लोग मुकाबला जीत जाते हैं तो आज जो है वो तीसरे नंबर पर हमारे साथ रोज हाउस ग्रामर स्कूल से किन्जा फ़ातमा है दूसरे नंबर पे यानी आज की रनर अप मकर्र जो है वो रिदा रिदाताशीन है और हमारे साथ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं लम्स यूनिवर्सिटी जाम से हाशिर जी और आप तीनों के साथ ये पंजनत के गिफ्ट हेम्पस जाएंगे आप तीनों के साथ जाएंगे और उसके साथ साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का हमारे पास एक साल का फैमिली मेंबरशिप है वो आप चूंकि आज विनर हैं तो आपके साथ जाएगा और ये बिल्कुल आपको हम थमा देते हैं बहुत शुक्रिया है आपका और जजेस आ जाए आ जाएँ भाई ये लें भाई पकड़ें भाई आप आइए तला भाई आयशा जी आइए इसमें ला करें थैंक यू सो मच तला थैंक यू सो मच शहबाज थैंक यू सो मच ऐशा जी इनशाला आप लोगों से कल मुलाकात होगी तुम लोग तो गिफ्ट पकड़ा के फिक्स ही हो जाते हो यार <laughs> भाई जजेस को भी दो एक एक साल की मेंबरशिप यार ये तो कोई बात नहीं है मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे ब्रेक से वापस आते हैं जी अस्सलाम वालेकुम आप सबको खुश आमदेद और हमारी शेफ हाथ धोने लगी हैं क्योंकि कुछ पकाएंगी ये जी बिल्कुल कुछ जी. पकाएंगे और अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आपका ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र अच्छा हम क्योंकि आप बिजी थे डिबेटर्स के साथ तो मैंने हैंड वॉश कर लिए थे लेकिन मैं बताती चलूं कि डिटॉल का स्किन हमें यकीन नहीं है हमारे सामने दो और दोबारा धोया देख चुका हूं मैं देख रहे थे ना आप तो खैर जी डिटॉल का स्किन केयर फार्मूला हमें देता है जर्म्स फैलाने वाले जरासीम से कंप्लीटली निजात और इसके अंदर जो बड़ी अच्छी सी खुशबू है वो हमें देती है फ्रेशनेस का एहसास इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि किचन में जाने से पहले मैं हमेशा डिटॉल से हैंड वॉश करूँ और आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप भी हैंड वॉश क्या कीजिए अच्छा जी अब हम आ जाते हैं अपने किचन में और आज हम किचन में जो है बनाने वाले हैं बड़ी ज़बरदस्त सी एक ट्विस्ट है सबरोसो की हम कचौरीज फ्राई कर रहे हैं और उस कचौरी के साथ हम बनाने वाले हैं लाहौरी चने क्योंकि कराची में मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि कचौरी के साथ जो है वो चने सर्व किए जाते हैं तो हम बनाएंगे लाहौरी चने और उसके साथ हम बनाएंगे आलू की तरकारी भी बनाएंगे तो हम क्या करते हैं कि हम बस्मान के साथ अपने आलू की तरकारी जो है वो जल्दी से स्टार्ट ले लेते हैं और इसके लिए इतनी आसान रेसिपी है यकीन करें कुछ भी नहीं है इसमें इस रेसिपी में आप फटाफट फटाफट फट फट करते हैं इसको और ये आपका काम हो जाता है अच्छा जी इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने सब चीज़ें एक साथ डाली हैं नो ऑयल नथिंग आपने आलू ले लिए ये मेरे पास आधा किलो आलू हैं इसको मैंने सॉफ्ट बॉईल करके और मैंने ऐसी रफली हाथ से इसको मैंने ऐसे मैश कर लिया था ठीक है ये डाला इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वन टीस्पून सॉल्ट वन टीस्पून स्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई काली मिर्च इसके साथ हमारे पास जा रही है हल्दी ये भी जा रही है वन टी और इसके साथ हमारे पास जा रही है वन टी स्पून कलौजी बस ये हमने डाला और डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी तकरीबन एक कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे ठीक है ये पकेगा क्योंकि इसमें हमने हल्दी जो है डेफिनेटली वो कच्ची है तो उसकी स्मेल आ रही होगी हमने सिर्फ इतना करना है ये देखिए आलू अगर मैं आपको दिखाऊं ये देखें बिल्कुल रफली मैंने इसको हाथ से ही इस तरह से मैश कर लिया था बिल्कुल फाइन मैश नहीं कीजिएगा आपने देखे होंगे रेडीमेड जो तरकारी मिलती है हमें इसका वही लुक देने के लिए हमने ऐसा किया है विदाउट ऑयल बना रही है विदाउट ऑयल नो ऑयल ठीक है थोड़ी सी आप तैयारी करें क्योंकि ब्रेक पे जाना है ब्रेक से वापस बस हमने कर लिया ये स्टेप ये पकता रहेगा जब आएंगे तो इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि इसको थोड़ा सा थिक कैसे करना है वी कैन टेक द ब्रेक इसमें चने किचन में मेरे ख्याल से अभी टाइम है क्या क्या बन रहा है आज क्या बन रहा है आज ब्रेक पे जाने से पहले बताया था हमने आज हम बना रहे हैं सबरोसो की चिकन कचोरी फ्राई कर रहे हैं और उसके साथ हम बना रहे हैं लाहौरी चने सबरोसो का मैं यहां बताती चलूं कि इनकी यहां पे फ्राइड रेंज में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी मौजूद है यहाँ पे हमारे पास नगेट्स भी मौजूद हैं स्प्रिंग रोल्स हैं यहाँ पे चिकन पॉपर्स मौजूद हैं तो हर रेंज इनकी जो है वो तमाम लोगों को मद्देनजर रखते हुए जो हर एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर रेंज मौजूद है तो आज हम उनकी जो है चिकन कचोरी आ, बना रहे हैं और चिकन कचौरी का मैं बताती चलूँ कि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जिस तरह इनकी रॉ चिकन बहुत अच्छी होती है हेल्दी एंड हाइजैनिक होती है बिल्कुल इसी तरीके से इनके ये फ़्राइड आइटम भी इस तरह बनाए जाते हैं आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप अपने घर की चीज़ खा रहे हैं बिल्कुल आप इसको इन्जॉय भी कर सकते हैं टेस्ट के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत अच्छी है तो हम ये फ़्राइंग के लिए डाल देते हैं और मीन हम ये करते हैं कि अच्छा मैं आलू की तरकारी पहले यहाँ बता दूँ कि मैंने इसमें क्या किया था मैंने लिया था आधा किलो आलू उसके अंदर मैंने एक कप पानी डाला था वन टी हल्दी वन टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च वन टी स्पून सॉल्ट और उसके साथ वन टी स्पून कलौजी डाल के मैंने इसको इतना पकाया कि हल्दी की थोड़ी सी स्मेल निकल जाए अब और कोई ऑयल हमने इसमें ऐड नहीं किया बिल्कुल भी अब हमारे पास है कॉर्नफ्लावर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा किलो कॉर्नफ्लावर में आपका एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर वुड बी इनफ इसको आपने पानी में इस तरह डिजॉल्व करना है और जितनी थिक आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतना इसमें डाल देंगे मैं पूरा नहीं डालूंगी ठीक है थोड़ा डालूंगी क्योंकि ये अवतार के टाइम सर्व होगा और जब ये रखा रहेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा थिक हो जाएगी आपने इसको हाई फ्लेम पे बस इतना पकाना है कि ये वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाए देखें जी फौरन से ये गाढ़ा हो गया और ये हमारी तरकारी हो गई अच्छा है बिल्कुल तैयार इसमें कुछ लोग जो हैं वो आलू भी बिल्कुल मैश करके कॉर्नफ्लार की जगह डालते हैं जी बिल्कुल डाल सकते हैं जैसे चने जो बनते हैं चिकन छोले उसमें भी जो मैं वो बिल्कुल है यही होता है कि वो चनों को जो है वो ग्राइंड करके वो डाला जाता है ताकि उसमें कोई और चीज़ ना डाली जाए कोई और चीज़ ना डाली जाए उसके अलावा ये होता है कि उससे जो है ना आपकी ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है अच्छी सी प्लस ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं कॉर्नफ्लावर अवॉइड करते हैं वो नहीं लेना चाहते कॉर्नफ्लावर को तो आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं कि आलू का बहुत फाइन सा मैश करके ये तो हमने रफली मैश किया हुआ है ना तो आप डाल सकते हैं अच्छा जी ये कचोरी फ्राई हो रही है मैं जरा यहाँ डॉक्टर इकराम साहब बैठे उनसे भी बात करता रहता हूँ आपकी तरफ भी आता हूँ अलग, अलग सा मौजूद आए हैं सेहत क्या है आ, फैसल आपकी इजाज़त से मजे मजे के क्वेश्चंस रोजाना नशियात में पूछते हैं तो एक क्वेश्चन मैं अपने जो हमारे नाजरीन और सामीन है उनके लिए मैं पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी चीज़ है जो पीने से रोजा नहीं टूटता गुस्सा बेहतरीन और इसके बारे में एक शेर है बड़ा मशहूर वो ये है कि गुस्सा हराम ही सही पर जानता हूँ मैं ऐसा हराम है जिसे पीना हलाल है वाह 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 सो वा। so, गुस्सा एक जज्बा है और हमारी जो आज का मौजू है सेहत जज्बातीहत सेहत क्या होती है जजबाती सेहत के हवाले से सबसे बेहतरीन जो इसकी डेफिनीशन है वो ये है कि मैं अपने जज्बात से आगाह हूँ और जैसे इस वक्त मेरे सामने माशाल्लाह फैसल कुरैशी जो हैं वो तशरीफ़ फरमाए तो मैं अगर उनको किसी बात पे गुस्सा आता है या वो किसी बात पे खुश होते हैं तो मुझे एहसास हो रहा हो कि भाई सामने वाला बंदा जो है उसके अपने उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ और क्या मैं अपने जज्बात को मैनेज कर सकता हूँ खुदा न खास्ता किसी से झगड़ा हो जाता है या आ, कोई ख़ुशी की तकरीब है कुछ भी हो उस लिहाज से उस सूरत हाल के लिहाज से क्या मेरे जज्बात हैं या नहीं हैं और मेरा अपना काबू अपने ऊपर कितना इस्ट्रॉग है क्या मैं अगर मुझे गुस्सा आता भी है तो क्या मैं गुस्से में गर्क हो जाता हूँ या गुस्सा मैं गुस्से से डिटैच होता हूँ यानी एक लफ्ज़ है कि आई एम एंग्री मैं बहुत गु़स्से वाला हूँ और एक लफ्ज़ है देयर इज़ एन एंगर इन मी यानी मेरे अंदर गु़स्सा है जब आप ये कहते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा है तो आपने अपने आप को और उस जज्बे को अलग कर दिया आपने तस्लीम कर लिया कि यार मेरी शख्सियत जो है ना आई एम नॉट थाट्स आई आई एम एम नॉट नॉट मैं सही हूं। एक ये भी तो जुमला है ना मैं ऐसा ही हूँ राइट सो ये क्लियरली बता रहा है कि इंसान बिल्कुल अपनी अना में गर्क है ठीक मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता दुनिया इधर की उधर हो जाए हाँ। मैं ऐसे ही रहूंगा तो so, ऐसे शख्स को हम जज्बाती तौर पे बीमार करेंगे अच्छा जी और जज्बाती बीमार इंसान की यही अलामत भी होंगी जी सो so, जज्बाती तौर पे जो बीमार शख्स होता है उसकी जो अलामत होती हैं वो सबसे पहले तो उसमें नर्सिजम जो नर्गिसियत खुद पसंदी अच्छा वो प्लस अपने ऊपर काबू ना होना और तीसरी चीज़ जो आपने बताई कि बस मैं तो ऐसे ही हूँ जो चाहे कर लो चाहे कर लो मैं बिल्कुल ऐसा ही और ऐसा शख्स जो है जो जज्बाती तौर पर बीमार होता है या होती है वो बेसिकली चीज़ों और इंसानों से एक्सपेक्ट करता है तो रखता है उनको एक्सेप्ट नहीं करता अच्छा एक ऐसा शख्स जिसको अपने जज्बात पर कंट्रोल होगा याद ख़्याल पर कंट्रोल होगा वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखेगा यार बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं है so, वो चीज़ें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उनके हवाले से टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना चाहता और नहीं लेना चाहिए मुझे क्योंकि उनको मैं चेंज नहीं कर सकता ठीक है और जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है जैसे मेरा अपना गुस्सा मेरा अपना रद्द अमल मेरा अपना रिस्पॉन्स उनको मैं चेंज कर सकता हूँ सो so, ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि किन चीजों को मैं काबू कर सकता हूँ कौन सी चीज़ें मेरे अपने काबू में नहीं है तो यही इसी विजडम को जो है आप कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और रिसर्च ये कहती है फैसल के 36 परसेंट लोग यानी हर सौ में से 36 लोग को नहीं मालूम होता कि इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता किसी ने मुझे गाली दी तो मैं बग़ैर सोचे समझे कि क्या हुआ या किसी ने मेरी गाड़ी को साइड मार दी मैं वही करना चाहूँगा जवाब में नीजर रिएक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं जो मेरे साथ हुआ है अब मैं नहीं सोच रहा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और क्या इसका मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा तो ये चीज़ क्या बात और कितनी तरह के होते हैं ये जज्बात राइट right. सो so, जज्बात बहुत सारी तरह के हो सकते हैं लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो इनको पाँच से छः कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं नंबर वन जो जज्बा है वो आपका है हैप्पीनेस जो आए खुशी मैं खुश हो रहा हूँ नंबर टू है सैडनेस जो इसका उलट है उदासी मायूसी वगैरह तीसरी चीज़ है गिल्ट पशेमानी शर्मिंदगी चौथी चीज़ है सरप्राइज़ हैरत एस्टोनिशमेंट और पांचवी चीज़ जो है वो एंगर गुस्सा और छठी लास्ट बट नॉट द लीस्ट खौफ फियर, तश्वीश बेचैनी अनसर्टेनिटी ये छह किस्म के इमोशन जो हैं हमारी फीलिंग्स होती हैं अच्छा यहाँ पर फैसल इनको आपस में डिफ्रेंश करना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले इंसान के जहन में ख्याल आता है तुमको देखा तो ये ख्याल आया वाह वाह तो ख्याल आया तो उसके बाद बनती हैं हमारी थॉट्स ठीक है सोच सोचें और सोच के बाद जो है वो चीज़ बनती है हमारी फीलिंग्स ये फीलिंग्स जो है छह तरह की होती है जिनके मैंने भी नाम लिए। ठीक है।, है सैडनेस और ये गुस्सा और फियर वगैरह इसके बाद फीलिंग्स कन्वर्ट हो जाती हैं जज्बात में तो अब कोई पूछ सकता है आप पूछ सकते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये तो कन्फ्यूज़न है कि मतलब आप कह रहे हैं कि फीलिंग्स छः तरह की होती हैं फिर तो फिर जज्बात क्या होते हैं जज्बात हैं उन फीलिंग्स का एक्सप्रेशन जो आप अपनी बॉडी से मिसाल के तौर पर किसी को गुस्सा आ रहा है सांस फूलना शुरू दिल की धड़कन तेज़ किसी को खौफ महसूस हो रहा है पसीने छूटने शुरू हो गए ये होते हैं जज्बात सो पहले फीलिंग्स होती हैं जो छः तरह की होती हैं और उनका जो एक्सप्रेशन जो बॉडी आपकी करती है उसको कहते हैं आपके इमोशंस यानी जज्बा और ये सब चीजों के असर आपकी बॉडी पे पड़ रहे होते हैं आप खुश होते हैं अच्छे हारमोन पैदा होते हैं ऐसे ही है आप सैड होते हैं बुरे हारमोन आप, आपको थकावट महसूस होती है, है। आप गुस्से उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं और भी इस तरह के सो कैसे फिर इंसान अपने आप को सेहतमंद बनाए इन तमाम जज्बात के देखें ये तो एक इंसानी फितरत है जी जी आपको गुस्सा भी आता है आपको दुख भी होता है आपको तकलीफ़ भी होती है कभी आप रोते भी हैं आ, कभी आप सरप्राइज भी होते हैं बिल्कुल ठीक है कभी आ, कभी जो है वो आ, आप तकलीफ़ में होते हैं दर्द में होते हैं कभी जो है आ, आप हैरत ज़दा भी होते हैं कभी 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 खौफ भी होता है किसी ना किसी चीज़ थिंग्स आर वेरी नेचुरल इन सबको कैसे कंट्रोल करें कि हमें कैसे खुश रहना है अच्छा ये कैसे हो सकता है कि मैं उदास हूँ तो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ कि मैं कितना उदास हूँ mm -hmm. या मैं कितना दुखी हूँ ये मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकता देर आर सर्टन मोमेंट्स जब वो होते हैं तो मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकता आई स्टार्ट क्राइम ठीक है ना तो वो नहीं होते कंट्रोल वो जज्बात uh, या अगर कभी uh, कोई खौफ है अलहमदिल्ला uh, वैसे तो कोई खौफ नहीं है लेकिन मैं मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं किसी की बात नहीं कर रहा लेकिन होता है ना एक खौफ होता है आपको uh, कि कहीं आने वाले वक्त में मैं वो चीज़ ना डिलीवर कर पाया फैमिली को जिसके लिए मैंने सोच रखा है तो ये एक हल्का सा आपको एक हल्का सा फेयर एक हल्का सा फेयर होता है तो कैसे उन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन करें राइट right, तो so बहुत अच्छा सवाल और फिर अगेन आपकी इजाज़त से एक शेयर के अंदर लगी थी आग मगर बेखबर थे लोग जलते हुए मकान के बाहर धुआं न था वाह यानी अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि आप निगेट कर दें ये तो नेचुरल चीज़ है ये चीज़ें होंगी व्हाट आई कुड कंट्रोल मेरा एक्सप्रेशन कि दूसरे लोग मेरी वजह से मुतासर ना हो इस चीज़ से वाह मेरे अपने रोज़मर्रा के मामूल मुतासर ना हो यानी मेरी शख्सियतहदा है और ये जज्बात अलीहदा हैं मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कि फैसल आपकी नाम मैं लूँगा कि अगर फ़र्ज कीजिए कि खुदा नास्ता आपको बहुत गु़स्सा आ जाता है किसी बात पर लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि एक फैसल कुरैशी जो है वो वहाँ पर सी सी टी वी भी है मिसाल के तौर पर अब छत के कॉर्नर से आप अपने आप को देख रहे हैं रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे लाइव देख रहे हैं सो अगर आपको बहुत गु़स्सा आ जाता है और खुदा नास्ता आप किसी से लड़ाई हो जाती है सो हो सकता है कि आप जब अपने आप को ऊपर से उसी वक्त देख रहे हो तो आप कहेंगे ये ये क्या हो गया फैसल को ये कैसे बिहेव कर रहा है बंदा ये तो ऐसा नहीं है सो so, वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो अपने जज्बात को बाहर से देखना शुरू कर देते हैं और इसी चीज को कहते हैं डिटैचमेंट यानी इंसान अगर अपने जज्बात के ऊपर अपना सी जो है वो रख ले उसको रखना सीख ले तो वो डिटेच हो जाएगा जज्बात मौजूद रहेंगे लेकिन विल, बहुत छोटा सा ब्रेक है ब्रेक से वापस आते हैं आप भी तब तक, तक खत्म करेंगे जल्दी खत्म करें जल्दी खत्म करें जी मैं बस ये वेट कर रही मुझे स्टेप दिखाना था ब्रेक के कर बाद आके दिखा दे छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं ओके। जी आपको सबको फिर एक दफा खुश आमदेद कहते हैं डॉक्टर उमैर साहब यहाँ पे मौजूद हैं मुफ्ती साहब भी आ गए मुफ्ती साहब बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन चल रही है जज्बाती जज्बातीहत के ऊपर बात हो रही है जी और चने बने हैं आज और आप पूछ रहे थे हजरत कि भाई कौन कौन बनाता है खाने तो ये देखें जरा ओ, ओ, ओ लोहरी चने लोहरी चने बने हैं अच्छा ये रेसिपी थी मेन लेकिन वो थोड़ी सी हमारी रह गई मैं रीकैप कर देती हूँ कि ये कैसे बनाए हैं हमने चनों के लिए मैंने ये किया था जनाब के मैंने लिए थे तकरीबन आधा किलो चने लिए थे सी बात है चने बनाने के लिए चने लेंगे मुर्गी तो नहीं लेंगे <laughs> बिल्कुल ठीक कहा आपने ठीक है जी चने ले लिए थे उसको मैंने रात भर सो किया था पानी में और उसके बाद सो करते टाइम सोडा नहीं डाला था लेकिन बॉईल करते टाइम मैंने उसको आधा चम्मच सोडा मैंने उसके अंदर आधा टीस्पून सोडा मैंने ऐड कर दिया था और नमक डाला था टू टेबल स्पून बॉइल कर लिया था एक किलो चने जिसमें से आधा किलो मैं यहाँ लेकर आई हूँ उसके बाद हमने क्या किया ऑयल डाला इसके अंदर तकरीबन टू टू थ्री टेबल स्पून ऑयल डाला लहसन uh, अदरक का पेस्ट डाला मैंने एक टीस्पून उसको मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया उसके बाद मैंने उसमें डाला एक टेबल स्पून uh, हरी मिर्च का पेस्ट कम कर सकते हैं अगर आपको कम स्पाइस चाहिए थोड़ी सी खुशबू आने लगी हर स्टेप में एक एक दो दो मिनट का गैप दीजिएगा जब हरी मिर्च आपने डाली है उसके बाद आपने क्या करना है आपने लेनी है फ्राइड प्याज़ तकरीबन आपने लेने टू टू थ्री टेबल स्पून उसमें तकरीबन आधा कप दही मिक्स कीजिएगा वो ऐड कर दीजिएगा उसको थोड़ा सा एक दो मिनट पकाइएगा उसके पकाने के बाद मैंने इसी चने में से चने लिए थे तकरीबन आधा कप और उसको मैंने अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बना लिया था जैसे अभी फैसल कह रहे थे आलू की तरकारी के लिए वो काम मैंने चने में किया है वही चने का पेस्ट जो है मैंने इसमें डाला था ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और लास्ट में मैंने इसके के अंदर डाला था जनाब चने ऐड किए थे यस yes. हरी मिर्च के बाद मैंने इसके अंदर जो है साबुत गरम मसाला जिसमें दो से तीन लौंगें दो से तीन काली मिर्च एक बड़ी इलायची और एक तेजपत्ता मैंने डाला था और लास्ट में मैंने क्या किया जीरा एंड uh, साबुत धनिया उनको मैंने भुना uh, और भूनने के बाद हाथ से फ्रेश क्रश करके मैंने इसके अंदर डाला और डालने के बाद लास्ट में मैं इसमें यहाँ पे ये लगा रही हूँ इसके ऊपर हरी मिर्च और ये आपके लाहौरी चने तैयार हैं हम खाएंगे इसको कचोरी के साथ लेकिन आप लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको नान के साथ भी इंजॉय कर सकते Thank हैं थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब रैप अप करते हैं हम भी इस सारी सिचुएशन को आपने मेरे ऊपर रख दी बात आप परेशान हो रहे थे बिल्कुल हम यही बात कर रहे हैं कि जज्बात इस एक एक जज्बा ली मतलब एक, एक नेचर है वो मतलब उसके बगैर तो गुस्सा है या इस तरह बंदा तो ऐसा है लगता है कलफ लगा हुआ है उसको ना हंस रहा है ना सैड है ना रो रहा है सो so, उनका एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कीजिए कि मैं इस वक्त कहीं पार्क में इंजॉय कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ हूँ और मैं बड़ा अच्छे मूड में था लेकिन सामने से एक बड़ी खूबसूरत और महंगी गाड़ी आ जाती है और मेरे दिल में कहीं ये ख्वाहिश मौजूद थी कि गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए अब मेरे सारी इंजॉयमेंट जो थी वो गई पीछे और मैं अब मेरी सोच शुरू हो गई यार ये गाड़ी मैं नहीं ले सकता और अगर ये गाड़ी लूँ तो मुझे अपनी जॉब चेंज करनी पड़ेगी जॉब चेंज की तो फिर वहाँ पता नहीं किस तरह का माहौल होगा सो ये चीज़ यानी जब अपने अपने ख्याल को आज़ाद छोड़ दिया तो फिर वो उनकी आपकी लगाम उनके हाथों में होगी ना कि उनकी लगाम आपके हाथों में जो आप कहना चाह रहे हैं जो मोमेंट है वो उसको आपने उसमें रहें एट प्रेजेंट में रहें और फिर अगेन हमारी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना जांचना कि मैं अपने जज्बात से आगा हूँ क्योंकि एक जज्बाती बीमार की जो आ, तीन से चार मेजर निशानियाँ हैं अगर आप इवन मेडिकली स्पीकिंग भी बात करें तो एक तो वो इवन रूहानी तौर पर भी हमारे मजहब में भी कहा जाता है कि इंसान जो है वो खुद पसंद ना हो होनाप्रस्त ना हो ऐसे ही है ना सो so, मुफ्ती साहब बैठे हैं जी 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 बिल्कुल अनप्रस्त ना हो खुद पसंदी जिसको अरबिक में उजब भी कहते हैं वो ना हो दूसरी चीज़ कि इंसान नरगसीत का शिकार ना हो तीसरी चीज़ के अपने ऊपर काबू हो यानी अगेन के सीसीटीवी की तरह इंसान अपने आप को देख रहा है कि इस वक्त मेरे अंदर ये जज्बा है और इसीलिए कहा गया कि सोच कि हदीस शरीफ भी है कि गुनाह के बारे में सोचो भी नहीं या गुनाह के अलावा हम कोई लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं बैड चीज़ के बारे में सोचे भी नहीं क्योंकि अल्टीमेटली इवेंचुअली आखिरकार यही फ़िक्र आपको गुनाह की तरफ ले जाती है तो हमारी जो थाट्स होती हैं जो अंदर चल रहा होता है वो बेसिकली एहसास बनते हैं वही छः एहसासात जिनकी हमने बात की और वह ऐसा साथ फिर आगे बनकर जज्बात यानी बॉडी के एक्सप्रेशन बनते हैं और फिर वही चीज़ बिहेवियर में रवैये में बर्ताव में एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं गुस्सा आया तो किसी को थप्पड़ मारा सो अ ग़ुस्सा ही पहली प्लेस में अगर आ गया था तो उस पर काबू रखना चाहिए था तो ये बड़ा ज़रूरी और आखिर आखिरी चीज़ ये कि कंट्रोल कैसे करें इलाज क्या है इन सारी चीज़ों का अगर कोई शख्स जज्बाती तौर पर बीमार है अगेन बार बार हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं कि उसकी नींद पूरी हो एक इरीटेटेड बंदा जो है वो फ्रस्ट्रेड भी होगा जल्दी गुस्से में आएगा डाइट अच्छी ले वी आर वॉट वी ईट आप जितने जो दरिंदे हैं उनको देखें वो गोश्त खोर हैं शेर भेड़िया मगरमच्छ वगैरह वगैरह मैं भी हूं so, सिर्फ गोश्त खोर ना हो गोश्ख वो कार्नी वोरस की हम बात कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह ताला ने भी एल हमारे दिन ने इजाजत दी लेकिन एतदाल इसी तरह कुछ रिवायत में मिलता है कि गाय के गोश्त में जैसे मिसाल तौर पर कहा जाता है बीमारी है यह ऐसी रिवायत मौजूद है मैं ये नहीं कह रहा कि ना खाएं लेकिन एतदाल से खाएं और जितने अमन परस जानवर हैं बकरी है भेड़ है और ये यू नो गाय वगैरह ये खुदा न खास्तक किसी को चीरफाड़ तो नहीं खा कर, कर लेते ये क्या है ये सब्जी खोर है सो इतदाल बैलेंस डाइट में बहुत ज़रूरी है और आखिरी चीज़ एक्सरसाइज जब हम एक्सरसाइज करते हैं कार्डियो करते हैं तो इंडोरफिन रिलीज होते हैं यानी फील गुड हॉमोन्स इंसान जो है वो हैप्पी फील करता है सो जैसा आपने ख़ुद भी फरमाया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करके इंसान जो है वो अपनी जज्बाती सेहत को इम्प्रूव कर सकता है और किसी भी जज्बाती बीमारी से छुटकारा पा सकता है बिल्कुल 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 बेशक सच फरमाया आपने थैंक 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 यू 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 सो मच डॉक्टर और कुरान पाक में भी है कि अप, अपना गुमान अच्छा रखें जी बिसमान अगर अपनी ख्वाहिशात और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को फितरत क़ानून और शरीयत के मुताबिक कर लिया जाए तो बहुत सारे मसाइल से इंसान बच सकता है सुबह सुबह कर रहे हैं थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच यू डे आफ्टर टुमारो थैंक यू और uh, मेरी आपसे मुलाकात हो रही है एक छोटी सी ब्रेक के बाद बस गए और आए सलामकुम जी आप सबको खुश आमदेद सौबत इल में हमारे कराम यहाँ पे मौजूद हैं जब भी आ, ऐसे कोई बड़े दिन होते हैं तो हमारे कराम हम सब ये छोटी सी कोशिश करते हैं कि नजराना अकीदत पेश करें जितने भी बुज़ुर्गान हैं उनके हवाले से आज हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह के हवाले से आ, हम छोटा सा छोटी सी ये महफिल है, है जिसमें नजाना अक़ीदत पेश करने की कोशिश करेंगे आज उनके आ, विसाल के हवाले से आ, उनकी असफा हसना के हवाले से उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो गुफ्तु है वो हम शुरू करेंगे सवाल ऐसा कोई नहीं है आ, लेकिन कोई बात अगर दिमाग में आती है जो अगर कहीं पड़ी हुई है तो बिल्कुल मैं उस पर दो तीन सवाल आप लोगों से कर लूँगा तो बिसमिल्ल जहाँ से भी देख लें जी बसमल रनिम आज हम एक ऐसी अजीम तरीन हस्ती का ज़िक्र इस महफ़िल में कर रहे हैं कि जिनसे नबी करीम सल्ह वसलम ने इस कायन में सबसे ज़्यादा मोहब्बत फ़रमाई और हज़ूर वसल्लाम से आपकी रफ़ाक़त तकरीबा पच्चीस बरस की रही और एक ऐसा ताल्लुक के हज़ुर सलातम जब आपके विसाल के बाद बकरी जबाह करकेज़रत अमुलमोम खदीजा रदी अल्लाह ताल की सहेलियों में अगर गोश्त कभी बतौर तोहफ़ा भिजवाया करते थे तो उस वक्त अमुल हज़रत आयशा सदी रदी अल्ला ने पूछा कि या रसूल सल्ह वसलम आप अक्सर अपनी ज़बान मुबारक पर खदीजा खदीजा खदीज़ा उम्रम का जिक्र फ़रमाते हैं तो हजूर व सलाम ने जो जुमला इरशाद फरमाया फरमाया फ़ इन्नी कद रज़िक तो मुझे हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तन की मोहब्बत का रिज़्क अता किया गया हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तहा का नसब मुबारक अगर देखें तो बिन किलाब पर आपका नसब नबी करीम सलील वम से जाकर मिल जाता है और आपकी वालदा माजिदा का नाम फ़ातिमा है और आप रजी अल्लाह तह का नसब हज़रत गालिब पर जाकर नबी करीम लोई बिन गालिब पर हजूसलाम से जाकर मिलता है तो गोया के क्रैश के ख़ानदान में एक ऐसी अली तरीन यानी हस्ती हैं कि जिनको नबी करीम सल वसलम की उस रफाक़त के लिए चुना गया कि जिस अहद में हज़ुर पर आपने अपना सब कुछ क़ुरबान कर दिया व वजद का आलन फ़अना अहल तफसीर फरमाते हैं कि ये आयत मुबारक उस हस्ती के लिए नाजिल की गई कि जब हुजूर हजूर वसलाम को इस्लाम की दावत और तबलीग में दौलत की माल की ज़रूरत है फ़करा और मसाकिन इस्लाम कबूल कर रहे हैं है। गुलामों को आज़ाद करवाना है तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तह ने अपना सारे का सारा माल हज़ूर सलात वाम की खिदमत में पेश कर दिया सुबह और आप अंदाज़ा कीजिए फैसल भाई के चालीस बरस की उम्र में जब आपका निका हो रहा है तो हज़ू सलातम आपकी शान के बारे में फ़रमा रहे हैं कि आपने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मेरी तकजीब की मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने मेरा इनकार कर दिया उस वक्त अपना सारा माल मुझ पर ख़र्च कर दिया जब लोगों ने मुझे महरूम रखने की कोशिश की और हज़ूर सलात वसलाम पर ईमान लाने वाली बिल्तफाक़ मर्दों और औरतों में सबसे पहली खातून हैं जो सबसे पहली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ने वाली खातून हैं और गार हिरा तकरीबन चार किलोमीटर के फासले पर है हदीस में इस बात का जिक्र है कि आपकी उम्र मुबारक तकरीबन पचास बरस है और आप रोजाना की बुनियादों पर नहीं जब जब हजूर सलातलाम की खिदमत में आपको मौका मिलता है आप कभी बच्चों के साथ कभी तन तनहा आप गार हिरा पर चढ़ कर हजूर की खिदमत में जा रही हैं और एक दफा ऐसा हुआ कि आपके पास खाना पीना बर्तन मौजूद है और हजूर अलातलाम की खिदमत अगदस में जा रही हैं तो उस वक्त आप रदी अल्लाह तहाँ अपने जोफ के बायस ज़मीन पर आ गए। तो उस वक्त जबरील अमीन हजूर सलासलम से गुश गुफ्त शुनीद कर रहे हैं बात कर रहे हैं हम कलाम हो रहे हैं तो उस वक्त जबरी ने अर्ज़ कि या रसूल सल्ह वसलम हज़रत खदीजा ऱी अल्लाह तहाँ आप खदमत में हाज़िर हो रही हैं अल्लाह तबारक व तालफ़ से आप उन्हें अल्लाह का भी सलाम पेश करें और उन्हें मेरा भी सलाम पेश करें और आप उन्हें जन्नत में उस उस, उस महल की बशारत सुना दीजिए जो अल्लाह व ताला ने मोतियों से बनाया है और आलम आपको अता फरमाएगा और खास तौर पर वो लम्हात जब हुजूर व सलाम पहली मरतबा वही लेकर तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं और याजम्मिल का जब लकब सलाम को अता होता है तो जमुनी में चादर जिस खातून ने हुजूर हजूर सलातम को पेश की है वो उमुल हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तहा हैं और कितनी ही मोहब्बत और उल्फत का ताल्लुक है कि नबी करीम सल्लाम की दावत पर सबसे पहले अगर कोई लब्बैक कह रहा है तो वो एक औरत है और आपकी बीवी है सुबह यानी आप रिलेशन देखें कि पच्चीस बरस का रिलेशन यहाँ उमूमन आप नोट कीजिए कि लोगों के घरों में रवाबित और ताल्लुकात क्या हैं दस बरस का रिश्ता और गुजर चुकी है और जब मक्का मुकरमा में एक यहूदी आया और उसने ऐलान किया कि लोगों एक वक्त ऐसा आएगा कि मक्का में एक नबी की बेसत होगी अगर तुम में से किसी औरत की उनसे शादी हो जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़े फ़खर की बात होगी औरतों ने उसे कंकर मारे लेकिन हजरत खदीजा लदी अल्लाह त दिल में ये बात बैठ गई आप अपने चचजाद भाई वरका बन नौफिल के पास गई उन्होंने तस्दीक की किनकरीब एक जलीलर आखिरी नबी की बेसत होने वाली है और जब आपका साजो सामान हजूर सलातम मुदारबत के लिए बिजनेस के लिए शाम की तरफ तशीफ ले गए आपके गुलाम मिसरा मईसरा ने आपका खुल्क और दयानत देखा आप वसलाम की अदालत शुजात और दयानत और अमानत को देखा और देखा कि एक बादल का साया हर वक्त हजूर सलातम पर रहता है तो आपने खुद चालीस बरस की उम्र में निका का पैगाम नबी करीम सल्ला वसलम को भिजवाया निका का पैगाम आपकी बहन और आपकी दोस्त हजरत नफीसा लेकर जा रही हैं अमार बिन यासर के जरिए पैगाम भेजा जा रहा है और उस वक्त ये निकाह का पैगाम असल हजूराम की तरफ से आपके चचा अमर बिन असद की तरफ हज़रत सईदना अबू तालब रदी अल्लाह निकाह का पैगाम लेकर जा रहा है सुबह और आपके निकाह का खुतबा हजरत अबू तालिब ने डिलीवर किया है और पांच सौ द्राहिम आपका जो आ, जो हक महर है जो आज के दौर में आप अंदाज़ा कीजिए 2.975 ग्राम का एक सिल्वर कोइन होता है लोग न जाने कहाँ से बत्तीस रुपये उठाने उन्होंने महर निकाल लिया है तमाम शहज़ादियों का और तमाम हजू सलाम के अजवाज मतहर का महर मुबारक इतना ही था बस एक आखिरी जुमला मैं कहूँगा कि जब हजू सलाम ने नबूत फरमाया तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आप अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाम आप सिला रही फ़रमाते हैं तंग दस्तों की मदद करते हैं आप गरीबों का सहारा हैं बेवाओं के मलजाओ मावा हैं आप सदक और अमीन हैं अल्लाह तबारक व ताली आपको कभी ज़ाय नहीं फरमाएगा अहल इल्म कहते हैं कि अगर इस्लाम की पहली कोई मुश्त और आलम खातून है तो वो हज़रत उमुलमुमिन खदीजा रदी अल्लाह ताल हैं आपने वो तमाम तर खिदम जो शेब अबी तालब में पेश फरमाई हैं अपनी सारी दौलत हजूर की खिदमत में पेश कर 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 दी हैं मैं ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि पूरा अहल इस्लाम का कुंबा और तमाम अहल इस्लाम जो क़यामत तक ईमान लाते रहेंगे वह सब हज़रत हज़रतमुलमिन खदीजा रदी अल्लाह तन के हमेशा मकरूज़ रहें सुबह अल्लाह 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 डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ें आ, इन सब चीज़ों के होते हुए अगर हम हज़रत खदीजा की बात करते हैं तो वो भी एक वक्त आया जब हजूर पाक को खाना काबा से निकाला जा रहा था वो एक अरसा जो तकलीफ़ में गुजारा फिर वहाँ पे जो तकालीफ़ रहीं खाने के प्रॉब्लम्स बाकी चीज़ें उस पर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो देखें ये मैं कल भी जब मैं बात कर रहा था ना तो ये कहने समझाने की मकसद ये है कि हमें सबक हासिल करने हैं इन चीज़ों से हमें अंडरस्टैंड करना है आज थोड़े से हालात ख़राब होते हैं तो लोग हाथ पाँव छोड़ देते हैं सब so, लोगों को ये भी डिस्कस करना है सबीम हज़रत बीबी ख़दीजतुल्कब्र सलामल का योम वफ़ात आज है तमाम आलम इस्लाम की खदमत में तस्लीत पेश करता हूँ हज़रत बीबी खदीजतकबरा सलामिल वो हस्ती हैं कि जिन्होंने रसूल अक्रम सम की दावत तबलीग के काम को आगे बढ़ाने में मक्की ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा अहम करदार अदा करवाया चूँकि मक्की दौर के हवाले से जैसे कि आपने भी मुश्किल का तस्करा फरमाया कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी मक्की दौर के अंदर जो मुश्किल थी उनका हम आज के इस दौर में बैठ कर तस्वुर भी नहीं कर सकते हम उन वाक़ को पढ़ते हैं उन चीज़ों का तस्करा सुनते हैं पढ़ लेते हैं लेकिन बाकायदा उनको महसूस नहीं कर सकते मक्की दौर में किसी का इस्लाम कबूल कर लेना अपनी जान को ख़तरे में डालने के मुतरदफ़ था ठीक यानी आप अपनी जान अपनी जान को हथेली पर रखकर माशरे के अंदर पेश कर रहे हैं कि दुश्मन जो है किसी भी वक्त आपके ऊपर जो रुखसत हुए जी बेटियों के भी कुछ मसाइल रहे तो वो सारी <laughs> मैं चाहता हूँ इतना प्रेशर है इतना प्रेशर है तो उसपे अगर हम हाँ जी सॉरी मैं सिर्फ उस बात पे आ रहा था जी जी बिल्कुल हजरत खदीजा सलाम ही से अल्लाह रबुल्ज़त ने आपको औलाद भी अता फरमाई मक्के के अंदर जो मुश्किलात वगैरह हैं और उसका तस्करा भी उसी रिवायत के अंदर है कि जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा फरमाया कि हज़रत बीबी आयशा रजी अला से ये रिवायत है कि जिसमें इर्शात फरमाया नहीं कि हजरत खदीजा का आप ज़्यादा तस्करा फरमाते हैं तो उस वक्त आपने यही इरशाद फरमाया था कि खदीजा ने उस वक्त मेरी मदद की जब सारे लोग मुझसे दूर भाग रहे थे कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था कोई मेरा नासिर व मददगार नहीं था हजरत खदीजा के माल ने इस्लाम की नुसरत में भरपूर किरदार अदा देशे, देशे. किया और तीसरा नुकता यही कि जिसके तरफ आपने शायद हजरत खदीजा सलाम उल्लहा से अल्लाह रबुज़त ने मुझे औलाद अता फरमाई अब औलाद में ये दो बेटे तो ज़ाहिर अल्लाह रबुजत की मसलाहत ये थी कि बचपन में फोत हो गई हज़र ताहिर हजरत कासिमल लेकिन हज़रत बीबी फातमत ज़हरा सलाम बाकी रहीं और आप ही के ज़रिए अल्ह रबत ने हजूर अक्रम के नस्ल को आगे रखा और आपकी औलाद जो है वह आगे बड़े अहलबाराम का तस्करा आप अल रसूल का तस्करा जो सुनते तो आल रसूल सलील वसम का जो सिलसिला आगे बढ़ा है जिनाब खदीजतुलकब्रा सलाम के सिलसिले से है तो मकई मकरमा के अंदर जो मुश्किल हालात हैं अब उन मुश्किल हालात में जिनाब खदीजा का जो माल लोगों के काम आ रहा है कहाँ कहाँ पर काम आ रहा है इसके हवाले से मैं एक दो नाप के सामने बयान कर लूँ देखिए पाँच और छः हिजरी में मुसलमान मकई मकरमा के अंदर कुफार कुरेश की सख्ती की वजह से उनकी रुकावटों की वजह से तंग आकर रसूल अक्रम सला वसम से इजाज़त लेते हैं और हबशा की जानब इज़्ज़त फ़रमाते हैं यहाँ पर मर्रकिन बयान करते हैं कि हबशा जब ये जा रहे थे तो जाहिर है इन में ज़्यादातर ऐसे अफराद हैं कि जिनके अपने पास कोई मालो हजरत खदीजा सलाम उल्ल का माल यहाँ पर ज़्यादा सफ़र के तौर पर इनके काम आ रहा है महाजरीन के काम जो आ रहा है वो ज़्यादा सफर के तौर पर यहाँ पर काम आ रहा है पाँच में बेसत के पाँचवें साल भी और बेसत के सातवें साल भी और शेब आबी तालब के अंदर आप देख लीजिए कुफ़ार क्रेश की जानब से मुकम्मल तौर पर आपका जब बायकाट किया गया तो वहाँ पर हज़रत खदीजा सलाम उन मुश्किल हालात के अंदर आपके साथ मौजूद हैं अब यहाँ पर इसको हम आज के दौर में इस तनाजर में अगर देखें कि हज़रत खदीजा वो हस्ती हैं कि जो मलिकतुल मलिकतुलरब कहलाती हैं आपका माल व मत जो है पूरे क्रिएश के अंदर सबसे ज़्यादा है हज़ारों की तैदाद में आपके ऊँट ऐसे थे कि जो तजारती सामान लेकर यमन की जानब जाते थे और शाम की जानब यानी एक भरपूर आसाइश के साथ जिंदगी गुजारने वाली खातून रसूल एकरम सलीलसम के एलान नबूत के बाद इन मुश्किल का शिकार हो जाती हैं लेकिन उन अपनी आशाइशों को याद करने के बजाय मिशन रसूल सलील वालसम को आगे बढ़ाने में आप ये सारी सख्तियाँ बर्दाश्त फ़रमाती हैं ये जनाब खदीजतर सलामी और आपने उन मुश्किल हालात में जो आपका साथ दिया था बाद में आप जो अक्सर हजरत खदीज़ा सलाम को याद फरमाते थे उसका सबब यही था क्योंकि बाद में इस्लाम की तबलीग इस्लाम को फरोग मिलने के बाद बहुत सारे लोगों के दायरे इस्लाम में आने के बाद अगर मजीद लोग अगर आ जाते हैं तो उनकी अपनी इज्जत और एहतराम उनका यकीनन है लेकिन पहले जो साबिकून है और जो इब्तिदा में मुश्किल दौर में इस्लाम के अंदर आकर मुश्किल बर्दाश्त करके इस्लाम को फरोग देने में साथ दे रहे हैं उनके मकाम और मरतबे के वो बराबर नहीं हो सकते तो जनाब खदीजत उस ज़माने में रसूल अक्रम का साथ दे रही हैं है। और यही वजह है कि दस रमज़ान मबारक को जब आपकी रहलत होती है आपका जब विसाल होता है और उसके फिर चंद दिनों के बाद आपके दूसरे चचा हज़रत अबू ताल आसमाम का जब वसाल होता है तो रसूल अक्रम सम को इसका इतना ग़म होता है इन दो आपके अजीज़ तरीन अफराद के बिछड़ने का कि पूरे साल को ग़म के साल के तौर पर मनाते हैं इसलिए आप सीरत की किताबों को आप देख लीजिए रवायात की किताबों को आप देख लीजिए वहाँ पर आमुल हज़ून का टाइटल दिया गया आमुलज़ून के हवाले से यहाँ परमा ने यह लिखा है आम उजन क्यों करार दिया इसलिए कि पैगंबर अकरम के चचा नहीं बिछड़े पैगंबर अकरम की सिर्फ जोजा नहीं बिछड़े बल्कि इस कार रिसालत को आगे बढ़ाने में जो आपके सबसे ज़्यादा हिमायत करने वाले और मुआनत करने वाले और दुश्मनों से आपकी हिफाजत करने वाले उन दो हस्तियों को आप वो दो हस्तियाँ जो है आपसे बिछड़ गई इसलिए आप जो है इस साल को आमुल हजून का नाम देते हैं और यहाँ पर यह है कि मक्का मुकर्रमा में लोगों की जानिब से जब तकालीफ बर्दाश्त करके आप अपने घर के अंदर तशीफ़ लाते थे तो आपका हौसला बढ़ाने वाली जो हस्ती थी वो जनाब खदीजा तो कुब्रा सलाम लाला थी उस वक्त जब जनाब खदीजा सलाम के अल्फाज और उनके हौसला मंद जुमलों को जब आप सुन देते थे तो आप एक नए अज़म के साथ दोबारा तब्लीख करने के लिए मकई मुकरमा के अंदर कुरेश के सामने जाते थे अल्लाह अकबर मैं यही सुनता हूँ ना जब पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ हम जरा सी परेशानी होती है ना इतना प्रेशर ले लेते हैं खुदा न खास्ता अगर बच्चों के हवाले से ही हम बात करें जब बच्चों को हम किसी परेशानी में देखते हैं तो एक एक ट्रॉमा होता है माँ के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रॉमा रहता है मैं, और मैंने मैं जानता हूँ औरतें डर जाती हैं आज के ज़माने में अगर खुदा ना खास्ता एक औरत एक बच्चे को खो देती है छोटी उम्र में तो वो किस ट्रॉमा से गुजरती है पर हमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है हमें जानना है हमें समझना है और हमारे सामने जो मिसालें हैं अगर हम उन्हीं से जानें उन्हीं से समझें तो हमारे लिए शायद जिंदगियां आसान होती चली जाएंगी ये मैं अपनी माओ बहनों के लिए कह रहा हूँ इसके बाद मैं थोड़ा सा आ, अगर मैं इस बात को थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा जिलानी साहब की तरफ आज के ज़माने में जो एक प्रेशर है औरतों के ऊपर और उस ज़माने में हज़रत खदीजा तुलकुब्रा की हम जब बात करते हैं या उनकी जात पाक की बात करते हैं तो उस वो जो हम अगर आज कंपेयर करते हैं किस हिसाब से उस पर बात होगी लेकिन छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आता हूँ ठीक है छोटा सा ब्रेक है, है। जानी साहब की तरफ हम आगे बढ़ते हैं आज मैंने जैसे कहा कि नजाना अक़ीदत ही पेश कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बीच में कुछ हम बातें जानने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं जी हजर बसम बिस्मिल्लम सईम पहली माँ काफे अमनो अमा हक रफ़ाक़त पे लाखों सलाम सदी आलामाम रज़ा रहा मुहद बरेलवी रही का ये जो शेर है मैं समझता हूँ कि सईदा पाक की मेरी अम्मा जान सदा खदीरतुल्कब्रा रजील तसलम आपकी जो जिंदगी है उस पूरी जिंदगी का ये शेर हक तो अदा नहीं कर सकता लेकिन इसके अंदर जो एक जुमला है एक कलमा है हक गुजारे रफाकत यानी नबी प पाक सलल्ला का वसल्लम की रफाकत का जो हक है वो सदा खजतुल्कब्र रजील तन्हा ने अदा किया इसमें दुनिया के किसी भी दानशवर को कोई भी इख्तिला नहीं है देखिए ना कि नबी पाक सल्ल का मुबारक वसम आपका कितना तस्करा करते हैं कितना तस्करा करते हैं मैं इस नतीजे पर पहुँचा और मैं समझता हूँ कि मेरी इस बात की जरूर तायद करेंगे कि सयदा खदीजा वो हस्ती हैं कि जिनका जिक्र करना रसोल्ला की सुन्नत है अल्लाह एक, एक अल्ला। सुन्नत को जिंदा करना एक सुन्नत को जिंदा करना सो शहीदों का सवाब है अब मैं उन लोगों को कहाँ से ढूंढूं जो ये कहते हैं कि आप इन मुकद्दस हस्तियों का जिक्र क्यों करते हैं कि वो लोग ये सोचे कि सैयदा खदीरतुलरा का वो मकाम है वो मरतबा है कि नबी करीम सलातु वाम अपनी अजवाज के सामने भी भी। फैसल भाई अपनी बहन के सामने अपनी बीवी के सामने बंदा अपनी बहन की तारीफ बयान नहीं कर सकता इस ज़माने के एतबार से अगर बात की जाए अपनी जोजा के सामने बंदा अपनी माँ की तारीफ़ नहीं बयान कर सकता लेकिन नबी करीम सलातुसम अपने घर में तशरीफ़ लाते हैं और जिस घर में तीन तीन दिन फाका होता है सैदा ऐशा कहती हैं मैंने देखा कि आप फाके वाले घर के अंदर गोश्त लेकर आते हैं हाँ फरमाती है, मैं हैरान हुई कि आज गोश्त क्यों लाए फरमाया ऐसा ज़रा अच्छा करके पकाना और इसमें शोरबा ज़्यादा रखना तो आप कहती हैं कि मेरी हैरानगी और ज़्यादा हो गई तो मैंने अर्ज़ की कि यार सल्लल्लाहु तआला अलैहि तबारक वसलम कि हमारे घर में तो गोया के तीन दिन दिन फाका होता है और गोश्त तो अरसे तक पकता नहीं और आज पक रहा है और आप कह रहे हैं कि इरशाद फरमा रहे कि इसका शोरबा ज़्यादा करना तो आपने फरमाया हाँ मैंने सुना है कि मदीने में खदीजा की कुछ सहेलियां आई हैं अकबर का अंदाज देखें कि पाक अली पाक की जो सहलियां हैं उनका भी एहतराम कर रहे हैं कौन कर रहे हैं कि जो इमाम उल कहते हैं मैंने सुना है कि उनकी सहलियां आई हैं मुझे खुशी होगी कि वो खाना खाएंगी उनको हदिया पेश करना है तोहफा पेश करना है यहाँ पर बड़े अदब से बड़े प्यार से बड़े ही धीमे अंदाज से सैदा आयशा ने एक जुमला यानी बारगह नबूत के आदाब को मद्देनजर रखते हुए अर्ज किया कि रसल्ला के बारक वसलमा वो तो आपसे पंद्रह साल बड़ी थी उम्र में तो नबी सलाम ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की तो सयदा ऐसा कहती हैं मैंने जब अपना चेहरा उठाया तो देखा नबी पाकाम की आंखों में आंसू थे आप अलीसम रो रहे थे यहाँ भी मैं ये कहने में हक़ बजाने में हूँ कि सईदा पाक का नाम सुनकर रोना ये भी नबीय पाक की सुन्नत है आप सल्लल्लाहु सल्ला के वारक जिनका जिक्र करके रो जाया करते थे आपने फरमाया कि आयशा बाकी आजवाज मेरे अच्छे वक्त में आई है वो मेरे बुरे वक्तों की साथी थी आप ये देखिए कि सदा खदिजतलकुब्रदील्ला के आगे मेरी मालूम के मुताबिक तीस कनीज़ाय काम करती थी आपके कपड़े धोना आपके बर्तन उठाना आपके लिए खाना पकाना सैदा खजीरतुल्कब्रा ने कभी अपने हाथ से खाना नहीं पकाया था कभी अपने हाथ से बर्तन नहीं धोए थे मैं अपनी माओ बहनों को ये सुनाना चाह रहा हूँ आप जो कह रहे हैं कि क्या हमें क्या दर्श मिलता है और क्या हमारी माओ बहनों के लिए पैगाम जाना चाहिए तो कभी आपने यूँ कहिए कि वो कहते हैं हमारी पंजाबी जबान में कहते हैं आप भी समझते हैं पंजाबी को कहते हैं कि दाड़ा पान दौ नहीं किता यानी कि कभी जो है वो जो है वो धनिया जो होता है धनिया वो धनिया की टहनी को तोड़ के भी जो एक से दो ना करे उसको कहते दाणा पान दो नहीं किया इतना आपके नाज और इतने आप रदी रजील्ला के जो है वो अली तरीन लग्जरी लाइफ थी लेकिन जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ल के बबारक वसलम की रफ़ाक़त में आती हैं तो सैदा खजीरतब्र रजियाल्ला सब से पहले अपना सारे का सारा माल नबी पाकलाम के कदमों में लाकर ढेर करती हैं और अर्ज करती हैं रसोल्ला ये आपका माल है नबी पाक सल्लल्लाहु सल अल्लाबारक वसलम इस बात को जानते हैं कि औरत के माल पर औरत का हक होता है ये भी याद रखिएगा आज हमारे माशरे में ये भी एक बड़ा मसला हो गया औरत कमा के लाती है और मर्द उसका मालिक बन के बैठा होता है औरत अपने माल की हकदार है अपने माल की मालिका है लेकिन आकर जो आप जुमला अर्ज़ करती हैं अर्ज़ करती हैं कि रसोल्ला सल अल्लाह तैय को मुबारक वसम ये आपका माल है आप जिसे चाहे जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे इसको खर्च करें एक बात शेब अभी तालिब जब आया यानी तीन साल जो सैदा खदीरतलकुब्रा ने गुजारे आप देखिए कि किस तरीके से आपने रफ़ाकत का हक अदा किया उस वक्त नबी पाक ने आपको इख्तियार दिया शहरार भाई इख्तियार दिया नबी पाक ने फरमाया कि सैदा आप चली जाए आपका कबीला और है मेरा कबीला और है इन्होंने बायकॉट किया है बनो आशिम का आपके कबीले का बाइकाट नहीं किया आप देखिए कि यहाँ सैदा खदीरतलकुब्रा ने क्या जुमला कहा क्या उस अरबी जुमले को अगर मैं उर्दू जबान में अगर मैं उसको उर्दू का तंग जामा पहनाऊं तो वो ये होगा कि तेरे कदमों में जो कदम कमू क्या देखे आए, आए, आए। तेरे कदमों में जो है गैर कमू क्या देखे कौन नजरों पर चढ़े देख के तलवा तेरा और तेरे कदमों में पड़े हैं गैर की ठोकर कहाँ खाए कि झिड़कियाँ खाए कहा छोड़ के तलवा तेरा इस तरह के अशार भी है कहने का मकसद ये है की सैदा खदीतुल ने उस वक्त भी शेबे अभी तालिब के मुश्किल औकात इतनी मुश्किल बर्दाश्त की अभी और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इतनी मुश्किल बर्दाश्त की उन्हीं मुश्किल की वजह से आपको आप जो है दुनिया से नुख्सत तो होना पड़ा जैसे ही अमन का ज़माना आया सैदा खदीदुलकबरा बीमार हुई और नबी पाक अली सलातुसम ने देखा कि अब आप आपका आखिरी वक्त है तो सैदा खदीरकबरा ने उस वक्त नबी पाक से जो कलाम किया फैसल भाई सुनकर उस कलाम को पढ़ के दिल पटता है कि आपने कहा कि कि बारगाह में अर्ज किया कि तो कि फातिमा तो जारा देख रही है मेरी अम्मा पाक आपने मौला अली से आखिरी अल्फाज यही कहे वहां लफ्ज नबी नहीं था बाकी सारे अल्फाज वही थे कहा कि मुझसे बाग तरह दी राखी कर कर सारी उम्र गुजारी जद फल पकड़ते आया ले गए और व्यापारी तो कहा कि आपके हक अगर अदा नहीं हो सका तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा यहाँ बस सयदा पाक के ज़मन में मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहूँगा सैदा खदीरकबर रील्ला तह वाल के हवाले से आखिरी बात अर्ज करना चाहूँगा कि नबी पाक सल्ला तालबारक वसलमा के पास जब बदर के कैदी आए तो हजरत सैदा ज़ैनम जो नबी पाक की बड़ी साहबजादी थी सैदीकबर की बड़ी साहबजादी थी उनके शोहर भी आए तो फिदिये का हुक्म जो है सहबा कराम ने आपस में मिल के ये कहा कि कैदियों को छोड़ेंगे तो फिदिया दिया जाएगा उस वक्त सैदा खदीदुल्कब्रा का एक हार था जो आपने रुखसती के वक्त सैदा ज़ैनब को दिया था तो वो हार जो है वो फिदिये के कैदियों को छुड़ाने के लिए हजरत सैदा ज़ैनब के शहर बाद में मुसलमानों के थे उनको छुड़ाने के लिए आया तो नबी पाक ने जब वो हार देखा तो आप कर रोए नबी पाक की आंखों से आंसू आ गए तो साहब कर राम ने अर्ज़ की कि आरसूल्ला आज तो ख़ुशी का दिन है आज तो हमने कुफ़ार पर गलबा पा लिया है और कुफ़ार जो है वो नस्त व नाबूद होने के करीब है और वो ख़ायब और ख़ासिर है उनकी लाशें देखे कैसे जली कटी हुई पड़ी हुई हैं जैसे कटी हुई पड़ी हुई हैं तो उस वक्त नबी पाकाम ने फरमाया मेरे साहबा क्या तुम मुझे इतनी फेवर देते हो कि ये हार निशानी में बाकी रखू खदीजा की अल्ल ये मोहब्बत येफत और ये उनसीयत नबी इस्लाम को सबा इक्राम ने हरजल्ला हमारी तो जान भी क़ुरबान आप इसको जिस तरह चाहें जिसको चाहें दे दें तो आपने फिर वो सईदा जैनब को वापस दे दिया तो नबी इस्लाम सयदा पाक से इतनी मोहब्बत किया करते थे आखिरी हदीस पढ़ कर अपनी बात को ख़त्म करूँगा आप दो टोक व शिगाफ अल्फाज में फ़रमाया करते थे कि अल्लाह ने मुझे खदीजा जैसी बीवी अता नहीं फरमाई कि नबी पाक की एक रिवायत के मुताबिक ग्यारह आजवाज थी आप फरमाया करते थे अल्लाह ने मुझे खरीजा बीवी अता नहीं फरमाई अल्लाह होता अल्लाह हो पर साहब आज के ज़माने में अगर लड़की की उम्र लड़के से ज़्यादा हो तो उनके घर में उसकी माएँ बहनें ख़ानदान वाले ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं लड़के को लड़की को भी दो साल भी बड़ी हो तो साल भी बड़ी हो तो बहुत बहुत ताने पड़ते हैं बिकॉज़ वो नॉर्म यही सेट है कि लड़की कम से कम सात आठ साल छोटी हो दस साल छोटी हो लड़के से लेकिन अगर एक साल डेढ़ साल मैं वही तो अब जब मैंने प्रोग्राम भी शुरू किया तो मैं यही कह रहा था कि बहुत सारे नॉर्म्स ब्रेक हुए हैं बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हुई हुई हैं हम जब अपने मजहब को देखते हैं हमारा मज़हब हमें कुछ सिखा रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो हमें बिल्कुल कुछ और सिखा रही है और यहाँ लोग कुछ और बातें कर रहे हैं सो so ये ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जी हज़र महिला वरिका सैदा महमद वाली वसलम फ़ीलत इनशा ये लोग बयान मज़ीद करते रहेंगे मेरी तो हिम्मत जुलत नहीं है लेकिन जो बात आपने की है ना मैं डे वन से यही कह रहा हूँ कि हमें ऑर्गेनिक से हटा के ना नेचर से हटा के आर्टिफिशियल पे ले आया गया सिंथेटिक पे ले आया गया हमारा दिन ये था जो अभी बुजुर्गों ने बयान किया ये बीवी शोहर से माफी मांग रही है अल्ला। अल्ला। शोहर बीवी का हार देख के रो रहा है ये बुनियाद है हमारी इसको हमें डाइवर्ट किस तरह किया गया है यार छोड़ो ये देसी चीजें मत लो ये तुम्हारी सेहत के लिए तुम्हारे ईमान के ईमान तो नहीं बोलते बोलो तुम्हारी सेहत के लिए खराब है और हमें हाँ ले लो भाई आओ वो क्या कहता था औस्कर वाइल्ड क्या कहता था न्यूटन ने क्या दिया ये साइंस ना मैं इसकी मुखालफत खाल्फत नहीं करा न्यूटन मेरे मुंह से गलती से निकल के मतलब दूसरे दूसरे दानिशवर इलाहाद वाले क्या बोलते हैं मुलादीन क्या कहते हैं अरे बी प्रोग्रेसिव बी क्रिएटिव बी वेरी मॉडर्न यार इस्लाम से ज्यादा मॉडर्न मजहब तो कोई हो ही नहीं सकता जिसने कायनात वो गैलेक्सी जो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए जो देखी भी नहीं है अभी हमने वो इस्लाम हमें कुरान में कह रहा है भाई ये देखो यहाँ जाओगे ये मिलेगा वहां जाओगे वो मिलेगा तैतुलसरा में क्या मिलेगा सातवें आसमान पर क्या पहले आसमान पर तुम्हें क्या मिल जाएगा ये मादनियात हैं इसको गो एंड सर्च फॉर इट बहुत पहले एक प्रोग्राम आता था ना यू आस्क फॉर इट इन सर्च ऑफ एक प्रोग्राम आता था कैप्टन स्पॉक करा करता था इन सर्च ऑफ उन्होंने बड़मूडा ट्रायंगल बताया उन्होंने बताया ये फेरोज़ फिर के ये हैं फला फला वो बताते थे जी हम ही हैं जो हम सब कुछ सर्च करते हैं अरे भाई सर्च तुम किसकी बेस पर कर रहे होते थे वो सारी इस्लामिक तालीमात के उन्हीं की इन्फॉर्मेशन के ऊपर कर रहे होते थे मेरा जो आज रोना है पता नहीं वो सही है कि गलत है वो यही है कि हमें उलमा तबका इस्पेशली मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा तबका अब आ कर के ये जदीद हम असर हाजिर के लूम कहते हैं साइंस हो गया क्रिएशन हो गया ये ए आई हो गया इन सब को अब इन्हें बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा इसकी तालीम हासिल करनी पड़ेगी अदरवाइज़ वेरी नियर फ्यूचर नॉट वेरी नियर दूर नहीं, अभी की बात करता हूँ कि अगर आज अभी कोई मेरे सामने आकर के कुछ सवालत कर ले मुझे बर्मना करा रहा है इस बात का मेरे पास उसके जवाब नहीं होंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इस्लाम के पास जवाब नहीं है इसका मतलब ये होगा कि मेरी अकल मेरी फहम मेरी तालीम कम है अब जो मैं अम्मी आयशत सिद्दीकर अब खदिजतलकुबरा जी सिर्फ एक बात मुझे इतनी इंस्पायर की मैं हैरान होता हूँ कि जो दुनिया का सबसे पहला आज़ाद करने वाला जो चैरिटी कैम्प था वो अम्मी खदिजतलकुबरा ने लगाया था वाह कि जब अकाल सौदम रो रहे थे मारबिन परिसर पर झुलम हो रहे थे अकाल सोम रो रहे थे तो अमी साहब ने बीबी साहबा ने पूछा सलाम यारसुल्ला क्यों गम गन है फरमाया इसलिए कि मेरे अब तक जितने ईमान लाए हुए सारे गुलाम हैं, मैं किस तरह से इनको आजाद करूँ तो आप सलाम ने फरमाया कि आप इनके नाम जमा करें इनके आकाओं से इनकी फिदिया पूछें ये कितने पैसे डिमांड करते हैं फिर जो भी आपका खजानची था या वो था सारा माल चुके सरकार के कदमों में फरमाया इनके पर्चियां दें नाम दें उनको पैसे दें जा जाके इनको आज़ाद कराते चले जाएँ जब मुसलमान आज़ाद हुए इनको अददी ताकत भी मिली माली ताकत भी मिली इस्तेकाम मिला तो फिर मुसलमान की तरफ बढ़ता विल विल, विल, विल। मगरिब का वक्त हो गया जी माजद, अस्सलाम वालेकुम जी एक दफा फिर खुश आमदेद हमारी गुफ्तु चल रही थी और वो बात बीच में रहेगी शहर अर्जा बस वही बात मेरी मुकम्मल थी ऑलमोस्ट के जब इस्लाम को अददी ताकत मिली और माली ताकत मिली तो फिर इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह फैलना शुरू हुआ तकालीफ बहरल आलमोटरी बात है बढ़ती चली गई थी जमी ख़दीजील्ल तहा का जो विशाल मुबारक हुआ है और तालिब का भी जो विशाल मुबारक हुआ उसके बाद जो इनाम मिला की की ना किता यार ने किया वास्ते रब महफ़िला सजाया ने सरकार वास्ते दिल याद ली बनाया थे तारीफ़ ले जुबान अखियाँ बनाइयाँ सोने दे दीदार वास्ते फिर अर्शों पर मैं राजों पर बुला लिया अल्लाह तला ने कि मेरा महबूब रंग गमगीन है रंजीदा है ऐसी हस्तियाँ इनसे बिछड़ गई हैं कि इनसे इनकी बड़ी मोहब्बत थी तो बहर तो के बुला हज़रत वही सवाल आपकी तरफ दी बिस्मिल रहीम ये गुल्ह अक़ीदत हैं जो बेटे अपनी माँ की खिदमत में पेश कर रहे हैं और आपने ज़िक्र की बात की तो ये तो नबी करीम का एक आम इरशाद है जिसमें सभी शामिल हो जाते हैं कि उसको महासिन अमाताकम के अपने मरने वालों के महासिन का बयान किया करो और बिलखसूस जब सयदा ख़दीजा रजी अल्लाह की बात हो कि जो नबी करीमल वम जो कल हमने हम रहामिन पर प्रोग्राम किया आपने उनके लिए राहत का मुजसम थी उनके लिए बाश राहत थी और जो ख़ातून जन्नत के लिए जिनके पैरों तले जन्नत थी अल्लाह यानी सैदा फ़ातमा के लिए आपके पैरों तले जन्नत थी अगर हम ये देखते हैं जैसे कि अभी हमारे कराम और जामा मिलत ने इर्शात फरमाए मुख्तलिफ़ पैरायों में आप देखिए कि हज़रत खदीज रजी अल्लाह ताल का किरदार एक बीवी की सूरत में अगर देखते हैं और आज की औरतों को हम उनके नक्श कदम पर चलाने की कोशिश करना चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि जब हज़रत रजी अल्लाह 40 बरस की उम्र में एक जवान राना पच्चीस साल के नौजवान का इंतखब किया वाह तो जब रिश्ता तय हो रहा था तो हजरत नबी करीम का जो उज़ुर था वो ये था कि मैं एक गरीबल दया और गरीबलवतन आदमी जोरत अपने चचा अब वारे की कस्टडी और उनकी किफ़ालत में हूँ और कहाँ वो अरब खदीजा ठीक है कारोबारी तो मामला होते हैं उनके कारोबार में मैंने हिस्सा लिया और सामान लेकर गया लेकिन ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा तो कहा कि अगर वो ख़ुद ये पेशकश करें तो आपको कोई एतराज़ है कहा फिर तो कोई एतराज़ नहीं है और निका वाली मजलिस में जिसमें हज़रत अबू तालिब निका पढ़ा रहे थे तो उस वक्त एक आवाज़ उठी कि ये क्या तमाशा हो रहा है कि एक दुर्र यतीम यानी अब्दुल्ला का बेटा ना कोई माल है ना जवाब है ना कोई जायदाद है और इतनी बड़ी मलिका खालत बिन असद की बेटी वो इनके निका ये समझ में नहीं आ रही भाई बात क्योंकि इससे पेशतर बहुत सारे लोगों ने पैगाम निका भेजे थे हर खतीजा इनकार किया करती थी उस मौके पर हदर खतीजा की आवाज़ आई और फरमाया कि मैं अपनी रजा और रगबत से अपना सारा माल

किसी भी आदमी का अखलाक लोगों के सामने कुछ और होता है घर में कुछ और होता है और ये हमारे नबी करीम वाहिद हस्ती थे इनका आम इर्शाद था कि जो मुझे खलबत में करते देखो वो जलवत में बयान कर दो यानी मेरी तनहाई में की जाने वाली सरगोशियाँ भी उम्मत के लिए शरीयत बना दी जाती हैं तो हजरत नबी करीम सरम ऐसे आइडियल थे कि हजरत खतीजा जैसी एक सिंध रसीदा खातून भी आपके ऊपर यानी अपना सब कुछ क़ुरबान करने को तैयार थी और जैसे कि अभी बात हुई कि बनु हाशिम का बैकआउट किया गया था शेबी तालिब के मौके पर और ये तक यानी नबी अकरम ने तो खुद पेशकश की ही लेकिन जिन्होंने बाइक किया कबाइल अरब उनकी भी पेशकश थी कि आप इस बैकआउट में हमारे लिए कोई शर्त नहीं है आप आराम से अपने घर में आराम फरमाइए उन्होंने फरमाया कि नहीं और मैं जब ये पढ़ता हूँ और देखता हूँ तो मुझे हज़रत स्मान गजी नदी अल्लाह तभी भी याद आते हैं जो हजरत ख़दिया के दामाद भी फिर बाद में बने कि वो जब सुलह उदैबिया के मौके पर उन्हें भेजा गया कि जाके बातचीत कीजिए और मुसलमानों ने अल्लाह के हबीब की क्यादत में पड़ाव डाला हुआ था उदैबिया के मकाम पर तो उन्हें रोक लिया और खिलाया पिलाया चाय च पिलाई और कहा कि आप उम्र कर लीजिए और फैसला इस सामने बैतल्ला था खान काबा लेकिन हम आपके नबी को और उनके मानने वालों को आने नहीं देंगे आप कर लीजिए क्योंकि आपके एक साहिब अशियत आदमी हैं उन्होंने फरमाया कि अगर मेरे सरकार तवाफ़ बैतुल्ला नहीं करेंगे उम्र नहीं करेंगे तो बैतुल्ला सामने होगा लेकिन उस्मान भी फिर बैतुल्ला का तवाफ़ नहीं करेगा यानी तवाफ भी तब बनता है जब नबी करीम का इतवा और नबी करीम की पैरवी इख्तियार की जाए वरना वो चक्कर कहलाता है वरना वो विजिट कहलाता है तो नबी करीमलम हजरत खदीज रजी अल्लाह तह से इस तरह मोहब्बत और प्यार का तल्लु रखते थे आपने फ़रमाया कि दुनिया में जिन औरतों को फजीलत हुई है उनमें से एक खदीजतलकुब्र रजील्ला त है एक हज़रत इमरात इमरान हैं मियम की वालदा महतरमा और एक फ़िरौन की जौजा हजरत आशिर रजी अल्लाह ताल हैं ये विन्हें फजीलत अल्ला रबालम ने फ़रमाई है और हज़रत खदीज रजी अल्लाह तहा करीम सल्म के साथ इस तरह रहीं जिस तरह एक आ, समझ लीजिए आपके मुहाफिज रहा करता है और यही वजह है कि यही तरबियत उन से हजरत फातम रजी अल्लाह हासिल की कि आप हज़रत अपनी माँ की ज़बान से एक बेटी को कहा जाए कि अं थी उम अभी हा बेटा लगता है ऐसा है तू अपने बाप की बेटी नहीं बल्कि उसकी माँ है इतनी केयर और इतनी खातिरदारी करती है और हज़रत नबी करीम सल्ला वसम जैसा कि हार की बात आई नबी करीम वसलम के रोने की बात आई तो देखिए हमारे लिए और हमारी बच्चियों और हमारी बहनों और हमारी ख़वातियों के लिए इसमें नसीहत का ये पहलू है कि अगर देखें आज अगर नाम रखा जाए ना कोई बेटी पैदा हो और कोई हमसे पूछता है नाम बताइए हम नाम बताते हैं तो खदीजा जैनब रुक़ैयाकसूम फातिमा आयशा हफ्सा ये नाम बताते हैं तो नहीं कोई यूनिक नाम बताइए कोई नया नाम बताइए तो बहुत ओल्ड एज नेम है बहुत पुराने नाम है ये तो ये नहीं चाहिए लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप देखिए जब आप ये पढ़ते और सुनते हैं तो आपकी आंखें अशकबार होती हैं क्या देते खतीजा जिनकी इतनी कनीजें थी जो नाजो नैम में पली थी जिन्होंने कभी उठकर महाव्रतन महावरतन कह रहा हूं उठकर पानी भी नहीं पिया था वो नबी करीम के हिबाल अहद में आकर ऐसी कनीज बनी कि अभी नबुवत का ऐलान नहीं किया था लेकिन आप गार हरा जाकर उनको ज्यादा राह दिया करती थी खुद अपने हाथों से पका कर उन्हें खाना पहुँचाया करती थी इसका भी जिक्र हुआ कि नब जबरील अमीन ने हजूर करीम को आकर बताया कि या अल्लाह अभी अभी खदीजा आने वाली हैं जब वो आपके पास आएँ और वो सालन लेकर आ रही हैं आपके लिए प्याले में जब वो लेकर आएँ तो आप उन्हें अल्लाह का सलाम पहुँचाइएगा और जबरीलेमीन का सलाम पहुँचाइएगा आप यकीन जानिए हमारी नस्लें हमारे माँ बाप इन हस्तियों पर क़ुरबान हो फिदा हों और हमारी नस्लों पर उनका अक्स पड़ जाए तो मैं समझता हूँ कि अमृत हो जाए और हमारी नस्लें और हमारी खौबे सवर जाए हज़रत बिल्कुल ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सलामकुम जी आप सबको खुश आमदेद कहते हैं आज दसवा रोज़ा पहला अशरा बस ख़त्म होने को है कल से हम दूसरे अशरे में होंगे और हम कोशिश यही करते रहें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छे अच्छे मौजू जिन पे बात की जाए जिनको कनेक्ट किया जाए आ, हम अपने आप को ज़रा सही करने की कोशिश करें बिकॉज़ रमज़ान में आ, कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ जिस्मानी तौर पे अपने आप को सही करना है कुछ लोग समझते हैं कि अंदर से अपने आप को सही करना है सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब घर की औरतें आज अगर मैं वही बात कह रहा था कि अगर कोई आज कोई लड़की या कोई ख़ातून पैगाम भेज दें शादी के लिए तो उसके असरा क्या होंगे लड़की की उम्र छोटी हो ज़्यादा छोटी हो तो लोग किस तरह से ताने मारते हैं लड़की की उम्र जरा सी बड़ी हो तो किस तरह से सारे नॉर्म्स ब्रेक हुए मैं इस्लाम में हज़ूर पाक सल्ह वसम ने सारा कुछ करके बता दिया कि ये ये हो सकता है एक्जैक्टली exactly. ये आप कर सकते हैं ये आप नहीं कर सकते वो भी साइड पे बता दिया जो नहीं कर सकते वो हम बबा ने दग मतलब वो करते हैं ठीक है उलट हो रहा है। हाँ उलट हो रहा है वो हम उलट कर रहे हैं लेकिन जो हम कर सकते हैं जब वो करते हैं तो उस पर जो है वो लोगों के ताने तस्के जो हैं वो शुरू हो जाते हैं फैसल भाई अखलाक का मेार हजूर सलात वसलाम के अमाल और अकवाल हैं यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को नाजुबिल्ला अपने बनाए हुए पैरामीटर्स में कभी मेजर नहीं करेंगे जी बल्कि जो कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखा दिया दरअसल स्केल बैलेंस पैरामीटर जिसमें मेजर किया जाएगा वह आपका कौल मुबारक है बिल्कुल अब आप देखिए कि हज़रत उम्रमिन खदीजतकब्र ऱील्ल्ला तब की उम्र मुबारक आप सल्ला व पंद्रह बरस तकरीबन आप बड़ी हैं बतबार उर और नबी करीम अलैहि वाल वसल्लम का एक और निका जब आयशा सदी रजी अल्लाह तह से हो रहा है तो वह आपली से उम्र, उम्र मुबारक में छोटी हैं इस तरफ़ से पैगाम आप की तरफ से पहल हो रही है और ख़दीज़ा रजी अल्लाह तहजूर सलात वसलम को पैगाम भेज रही हैं इससे ये बात मालूम हो रही है कि उस ज़माने में जो एक गलत रस्म चली आ रही थी कि एक बेवा औरत से निका नहीं हो सकता या एक ऐसी औरत जो मलिकतुलरब है वो किसी ऐसे शख्स से निकाह नहीं कर सकती कि जो उससे उम्र में कम हो ये तमाम तर पैरामीटर्स हकीकी माना में तब्दील किए जा रहे हैं अब आप देखिए कि हज़रत सैदा हज़रत सैदा उमे कुलसूम हजरत सैदा जैनब हज़रत तो सदा फ़ातमत ज़ाहरा रदील्ला तजमाइन हजरत, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला जिनके अलबात में ताहिर और ये खूबसूरत अलबाद दिए गए ये औलाद अमजाद अलग हैं इसके अलावा हजूर रसलात वसलाम के घर में हज़रत खदीजा के घर में हज़रत अली रदी अल्लाह तन ज़े किफालत हैंत ज़ैद बिन हारिसा ज़ेर किफालत हैंत हिन्न अबी हाल हज़रतदीज़ा रदी अल्लाह तन के पहले शहर से जो बेटे हैं व़़ेर किफालत हैं और हज़रत अम एमन आपली वसलम के रज़ाई वालदा वो ज़ेर किफालत हैं आप सलील वसलम गार हिर में तशीफ ले जा रहे हैं इस्लाम की दावत व तब्लीग फरमा रहे हैं और ऐसी कैफियत में घर के निज़ाम से लेकर ख़वातन के अंदर इस्लाम की दावत और तबलीग का बीड़ा अगर किसी ने उठाया है तो वो हजरत खदीज़ रदी अल्लाह अना है और एक बहुत खूबसूरत बात मुझे याद आ रही है एक मरतबा हजू सलाम अपने तो सहाबा के साथ तश्फ़ फरमा थे और सलाम ने एक चादर ओढ़ी हुई थी तो खदीजा रदी अल्ल तह ने जब आपको देखा तो हज़ूसलाम का हुसन व जमाल बहुत पसंद आया तो पैगाम भिजवाया कि जो चादर आपने ओढ़ी हुई है ये आप मुझे अता फ़रमा दें तो हज़ुर सलातम ने फैसल भाई वो चादर तो अता की और साथ जुमला ही अरसात फरमाया कि खदीजा अगर आप मुझसे मेरी स्किन भी तलब करें तो मैं आपको अपनी स्किन भी अता फरमा और इसीलिए जब हजरत खदीजा तो रज़ी अल्लाह विसाल हुआ है तो ये मकाम व शर्फ किसी और को अता नहीं हुआ आपका सर मुबारक हजूर सलासल्लाम की मुबारक गोद में रखा हुआ था यानी ये वो एफिलिएशन अफेक्शन और लव है जिसे आप यानी अनकंडीशनल लव एतम यकीन भरोसा और ये वो मैं बस एक आखिरी बात यहाँ कहूँगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो ये प्रोग्राम इस वक्त खवीन हमारे हमारी फैमिलीज़ जो देख रही हैं आप अपने रोल मॉडल्स को तब्दील करें आज फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है आप देख लीजिए वेस्ट को हमने

जो वक्त गुजारा और इतने बच्चों की किफालत करना और फिर जनाब हैदर करार मौल कायनत मौली करमल करीम तो की भी किफालत करना फिर आपकी रज़ाई वालदा हज़रत अम एमन आप पूरी तारीख़ उठा कर देख लीजिए मैं एक दफ़ा इस इस तनाजुर में बैठा कि नबी पाकसलाम के घर पर सईदा पाक सईदा खजरतलकुब्रा के होते हुए जो लोग पले जिन्होंने परवरिश पाई और नबी पाकल के वाइज़ा अकर्रबा जो जो उस वक्त नबी पाकाम के पास थे उनमें से किसी को क्या कभी सैदा खदीरतुल्कुब्रा से शिकायत का मौका मिला है हाँ। फैसल भाई आज मेरी बहन मेरे घर पे आ जाए मैं पहले अपनी बात करूं तो मेरी जोजा का नाक चढ़ जाता है मादरत के साथ तो ये वसत ज़रफी ये इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस्लाम का ये हुसन है और ये इस्लाम की खूबसूरती है और फिर उसके बाद आप ये भी देखिए कि मेरी बेटियों को ये देखना चाहिए कि सैदा खदीरतुल्कुब्रा वो छोटी किसी ख़ानदान की खातून नहीं है बल्कि आपका उस वक्त स्टेटस इतना बड़ा है इतना बड़ा है कि आपसे ज्यादा पूरे अरब के अंदर अमीर आदमी कोई नहीं है लेकिन लेकिन रावी कहते हमने देखा अपने नफीस खुद उस वक्त जो है ये गैस और इस तरह के चूल्हे नहीं होते थे बनफसे नफीस खुद फूके मार मार के आग जला रही है और आंखों के अंदर धुआं आ रहा है एक दफा अल्लाह ने सलाम नहीं भेजा सही था खरीदुल को

कि नबी पाक की ख़िदमत और आपकी तात और आपकी बरदारी और आपके हक के जोजियत का इतना ख़याल है कि मुहदसिन ने शारहन ने मैं आपको तारीख़ की बात नहीं कर रहा मुहदसिन ने लिखा कि जब आप खाना लेकर जाती थी पानी ठंडा होता था सालन गर्म होता था और रोटियों से भाप उड़ रही होती थी सुबह अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो कौन सी रफ़्तार थी और वह कौन सी स्पीड थी

और शकल में ताला से मुलाकात की और आपको तक साथ ले गए। ये मकाम वर्तबा भी कायनात में नसीब हुआ तो वो हजरत खदीजत रजियाल तना की आखिरी बात कर दू क्या तक जितने भी औलिया कर लेके इमाम मोहम्मद माह तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी इमामिया ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन ओलिया जितने भी ओलिया करम्फ़ाते हैं कादियाना तजुल सैदना पी मली शाह साहब जितने भी सादात हैं उन सब की अम्मा जान होने का सहरा अगर किसी के सर पे सजा हुआ है तो वो सैदा और मैं भी एक आखिरी बात कर दूँ अपनी तमाम बहनों बेटियों माओ बेटियों से कि भाई अपने रोल मॉडल आर्टिफिशल को ना बनाओ Organics को, अरे ये कहना चाह रहा हूँ कि हजरत बीबी खदीजतलब्राम ने उस वक्त जो काम अंजाम दिए वो आजकल के सारे लोगों के लिए हजरत हमारे यहाँ आजकल एक बहस ये होती है ना कि ख़्विन घर से निकल कर काम कर सकती है या नहीं कर सकती काफ़ी बहस होती है हजरत हजरतरा सलम घर से निकल के तजारत फरमा रही हैं जी बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है दीनात से काम करना है ईमानदारी से काम करना है और अल्लाह रबुलाज़त के इलाही जो हदूद हैं उनके अंदर रहकर काम करना है उनके अंदर रहकर अगर आप काम कर लेते हैं तो आप चाहे मर्द हों खून हो आप घर के बाहर आप काम कर सकती हैं तो ये आप जो है तजारती उमूर को आगे बढ़ा रही हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसम के दावत के काम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में भी काफ़ी वो बातें हो गई कि आप उसको उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पैगाम इलाही को लोगों तक पहुँचाने में भी आपका साथ दे रही हैं और घर के अंदर जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ फिर भी आप अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर आपके दो बच्चे औलाद नरीना उस ज़माने में आप जानते हैं कि वहाँ मकई मुकरमा के अंदर लोग बेटों को सिर्फ़ औलाद समझते थे बेटियों को तो औलाद ही नहीं समझते तो हज़रत कासिम की रहलत जो है हज़रत अब्दुल्ला की रहलत जो है उनको बर्दाश्त कर लेना इस बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त कर लेना उस सदमे को अपने दिल के अंदर छुपा कर रख लेना और फिर भी मायूसी के बगैर रसूल अक्रम सल्ला वसम के साथ मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाना हज़रत बीबी फातमतजारा सलाम का हा। हाथ पकड़ कर उनको तरबियत करके आगे उम्म के हवाले कर देना ये जनाब सईद कौन सईद खदीजा सलाम उल्ला का वो रोल है कि जो आज तमाम खुवान के लिए काबिल नमूना है काबिल अमल है सुबह हमारे मर्दों में आमतौर पर मुसलमान मर्दों में आमतौर पर यह तासर पाया जाता है और कुछ खुवान भी बेचारियाँ ये समझती हैं शायद येमा कराम जो हैं वो दो तीन चार शादियों के प्रोमोशन सारे लगे हुए हैं एक आध तो मशहूर ही हैं लेकिन सारे <laughs> का काम ये नहीं है देखिए नबी करीम सरसद ने पच्चीस बरस की उम्र में पहली शादी की है जो चालीस बरस की खातून हैं फिर आप उनके साथ तकरीबन चौबीस पच्चीस बरस रहे हैं और उनकी मौजूदगी तक आपने कोई शादी और कोई निका नहीं हाँ, फरमाया बिल्कुण, है यानी जिस वक्त तक आपकी उम्र अदीस पचास बरस हो चुकी है आपके निकाए और हिबालय अकदम एक ही खातून है और आप उनके ऐसे शौर हैं यानी जिस तरह खातून उनकी खातून अव्वल हैं तो हुजूर भी मर्द अव्वल हैं यानी अगर किसी ने हजरत खदीजा जैसी बीवी नहीं देखी तो किसी ने हुजूर जैसा शोहर भी नहीं देखा जो सारी कायनात का ताजदार है लेकिन हजरत खदीजा का भी खिदमत गुजार है और बाद में भी जो अजवाज मतहारात आई उन सब के भी खदमत में लगे रहे और अभी उमर भाई ने बड़ी हल, हल्की बात में कहा तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप सादात की तो हजरत खदीजा हैं ही माँ हम गुनागारों की भी माँ हैं क्योंकि जो कलमा पढ़ लेता है सारी अजवाज उनकी माए बन जाती हैं है। अल्लाह रहे को कोई इंकार न करे सब उनको रहे थे। की है नबी ईमान से उनकी जानों से ज्यादा करीब है और हक रखते हैं और उनकी अजवाज अहले ईमान की माँ है बस ये देखें तमाम लोग यही बात कर रहे हैं हम भी यही बात करते हैं कि हमें एज़ अ मुसलमान थोड़ा सा अपनी चीज़ों को समझ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد أن